थैंक यू मिस्टर स्वप्निल डारेकर ऑफिशियल एजुकेटर फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन टू द ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट नमस्कार मैं विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम आप सभी का स्वागत है टू द मोस्ट पावरफुल मैनेजमेंट वीडियो ऑन आज आप और बड़ा बिजनेस मिलकर बनाएंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिशियल अटेम्प्ट फॉर द मोस्ट व्यूअर्स फॉर द प्रीमियर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वीडियो ऑन यूट्यूब हम इसको इंडिया रिवाइवल मिशन के तहत कर रहे हैं आज पूरी दुनिया जब कोविड से जूझ रही है वहीं भारत के व्यापारी मिलकर एक के बाद एक एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं फेलियर प्रूफ बिजनेस बनाना है तो आज मेरे साथ रहिएगा अगले दो घंटों में आपको मिलेंगी बिजनेस की सबसे शक्तिशाली बीस स्ट्रैटेजी एक बार फिर याद दिला दू। ये गिनीज वर्ल्ड ऑफिशियल अटेम्प्ट तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा सबको शेयर करिएगा क्योंकि करिएगाजी जिंदगी बदल देंगी फेलियर प्रूफ बिजनेस फिर से याद दिला रहा हूं आप सभी को बने रहना है मेरे साथ में याद रखिए इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं मिलेगा इंप्लीमेंटेशन से मिलेगा कागज पेन डायरी पास में रखिए नोट बनाइए आपको शायद यह भी लग रहा होगा आप अकेले बता दूं आप अकेले नहीं है लाखों लोग हमारे साथ हैं और क्योंकि इस बार पहली बार हम यूट्यूब पे कर रहे हैं तो इसको आप खूब शेयर करिए वीडियो खत्म होते ही ये वीडियो हटा लिया जाएगा ये वीडियो नहीं रहेगा पूरा टाइम हमारे साथ में बस इतना समझ लीजिए मेरी बात इसका नहीं है कोई रिपीट टेलीकास्ट तो आइए शुरू करते हैं फुटबॉल का गेम भी स्ट्रैटेजी के बिना जीता नहीं जा सकता है अपनी योजनाओं बनाना ही सफलता नहीं देती है योजनाओं पर अमल करना ही सफलता का मूल मंत्र है स्ट्रैटेजी क्या होता है स्ट्रैटेजी का मतलब है तीन बातें सुनिए अभी कहां है जाना कहां है कैसे जाओगे तीन बातें अभी कहां है जाना कहां है कैसे जाओगे ये जो कैसे जाओगे इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी जाना कहां है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव अभी कहां है वो मेरा एग्जिस्टिंग स्टेट अभी कहां हूं दस करोड़ रुपया साल का धंधा करता हूं जाना कहां है पचास करोड़ पे जाना है ये दस से पचास पे कैसे जाओगे उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का महाकुंभ में आपका स्वागत है फिर से बीस चैप्टर देने वाला हूं जिंदगी बदल जाएगी फेलियर प्रूफ बिजनेस बन जाएगा आपका अभी कहां है जाना कहां है बात क्या करेंगे कैसे जाओगे वो क्या बीस अध्याय है रहिएगा मेरे साथ नो no रिपीट टेलीकास्ट एक के बाद एक लगातार बीच चैप्टर पढ़िए एप्लीकेशन से नहीं एग्जीक्यूशन से बिजनेस को सफल बनाया जाता है मेरी पहली स्ट्रेटेजी है लीडरशिप इन पाइपलाइन लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स दे क्रिएट मोर लीडर्स आप बिजनेसमैन हैं आपकी कंपनी के अंदर कैसे ऐसी लीडरशिप तैयार हो जो आपके बिना वो काम कर सके लीडरशिप इन पाइपलाइन से आप एक लीडर को नर्चर कैसे कर सकते हो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो उनकी कॉम्पिटेंसीज को पहचानते हो प्लान कर पाते हो कि भाई मैं आगे चल के बिजनेस को रन कैसे करूंगा मैन पावर कैसे आगे बढ़ेगी स्टेप स्टेप अप का मॉडल है इसमें स्टेजेस होती है पाइपलाइन समझो क्या होता है पाइप पाइपलाइन पाइप गुजरता है ना जिसमें से पानी जाता है साफ पानी या नाली का पानी कोई भी पानी पर पानी जाता है पाइप में से वो पाइप मुड़ता है कहीं स्टेज पे जब वो मुड़ता है और ऊपर जाता है मुड़ता है कहीं पे वो मुड़ते हुए पाइप में कहीं रुक ना जाए पानी ऐसे ही लैडर जब ऊपर जाता है, एक इंसान के ऊपर जाते कंपनी में मैनेजर से जनरल मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट से सीईओ क्या फर्क आ जाता है उसे क्या सीखना आना चाहिए आंतरपनियोर हो अगर आप नया बिजनेस है आपका तो आप भी अलग अलग स्टेजेस से खुद गुजरोगे मैं भी गुजरा अलग अलग स्टेजेस से जब मैं दस लाख रुपया साल का बिजनेस करता था मेरा काम करने का तरीका अलग था एक करोड़ का बिजनेस करता था काम करने का तरीका अलग था जब मैं दस करोड़ का साल का बिजनेस करने लगा मेरा काम करने का तरीका बदल गया जब मैं सौ करोड़ का बिजनेस करने लगा साल में काम करने का तरीका बदल गया आज मैं हजार करोड़ की तैयारी कर रहा हूं मेरा काम करने का तरीका बदल गया बात बड़ी सिंपल है अलग अलग स्टेजेस को समझो पहली स्टेज होती है मैनेज सेल्फ आदमी अपने आप को चलाता है दूसरी स्टेज होती है मैनेज अदर्स अब वो छोटी सी टीम बना लेता है आपके साथ ऐसा होगा अगर शुरुआती बिजनेस है तो आपने चार पांच सात लोगों की टीम बनाई अब आप उनको मैनेज कर रहे हो उसके बाद आप और ऊपर चलते हो उसको बोलते हैं मैनेजिंग द मैनेजर्स अब आपने मैनेजर रख लिए और आप मैनेजर से काम कर रहे हो जो नीचे काम करा रहे हैं और स्टेज ऊपर जाती है फिर बन जाते हैं फंक्शनल मैनेजर कि पूरा का पूरा बिजनेस में जिसमें मैनेजिंग द मैनेजर भी है मैनेजर भी है और जो सेल्फ काम कर रहा है खुद से वो भी एग्जिस्ट करता है और ऊपर जाते हैं जब आपकी कंपनी में कंपनी बड़ी होती है तो ऐसे लीडर चाहिए होते हैं जो होते हैं बिजनेस मैनेजर फंक्शन क्या होते हैं फाइनेंस का फंक्शन एचआर का फंक्शन मार्केटिंग का फंक्शन सेल्स का फंक्शन ऑपरेशन का फंक्शन ये सारे फंक्शन हो गए बिजनेस क्या होता है इन सब के ऊपर एक आदमी जो पूरे बिजनेस को देखता है उसको पीएनएल आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आना चाहिए खाली लोगों से काम कराना उसका काम नहीं है हर स्टेज पे अलग प्रकार की क्वालिटी अलग प्रकार की कॉम्पिटेंस चाहिए

फिर उसके बाद आप फंक्शनल हेड से पूरे बिजनेस के हेड बन गए बिजनेस हेड सीईओ से नीचे का पोजीशन होता है और फिर उसके बाद सीईओ बनता है और चेयरमैन बनता है ये आप अपने लिए भी सोच सकते हो अपनी टीम के लिए भी सोच सकते हो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज़ आपको चाहिए जब आप दूसरों को मैनेज करते हैं तो आपको दूसरों से काम कराना आना चाहिए गेटिंग थिंग्स डन आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए आप उनकी रिपोर्ट लेनी आनी चाहिए उनकी प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए उनका जॉब डिजाइन करना आना चाहिए उनको डेलीगेट करना आना चाहिए आपको कंपनी की वैल्यूज समझ में आनी चाहिए उनको कोच कर सके एक लीडर और एक फॉलोअर के मध्य सोच का फर्क होता है जब आप मैनेजर्स को मैनेज करने

अब आपको कल्चर बिल्ड करना आना चाहिए अब आप बेचू नहीं है सोचू है बेचू और सोचू का अंतर पता होना चाहिए आपको अब आप थोड़ा स्ट्रेटेजिक हो गए हैं अब केवल हर समय काम नहीं करते हैं अब आप बड़े गोल्स बना पाते हैं अब डेलीगेटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है डेलीगेटर जो काम दे रहा है जिसको दिया वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डेलीगेटर रिस्पॉन्सिबल है जो काम दे रहा है अब आपको चाहिए मैन पावर छूट के ना जाए और उसके बाद जब आप फंक्शनल हेड बन जाते हैं तो उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज करना आना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी सीखना चाहिए पूरा बिजनेस वैक्यूमन पूरा फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस आना चाहिए आपको पूरा वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट पी एन एल कैश फ्लो ये सब समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट इस समय प्रॉफिट में है कि लॉस में एग्जीक्यूशन की स्पीड कैसे बढ़ाएं ये सब आना चाहिए और फाइनली आप जब सी ई ओ बन जाते हैं तो पूरे के पूरे बिजनेस को रेवेन्यू पिलर्स को जूम इन भी कर सको बड़ी पिक्चर भी देख सको अंदर भी घुस सको एग्जीक्यूशन के मास्टर हो जाते हो आप और जब आप सीई ओ से चेयरमैन बनते हो तो चेयरमैन बनने के बाद तो आप बड़े रिस्क टेकर हैं और वो एक अलग प्रकार की क्वालिटीज़ चाहिए मन करता है इसको बहुत डिटेल में लेके जाऊँ समय की कमी रहेगी की घर की उलझने कभी खत्म नहीं होंगी लेकिन याद रखना अभी नहीं तो कभी नहीं नो रिपीट टेलीकास्ट बने रहिए मेरे साथ। अगला चैप्टर सिचुएशनल लीडरशिप किस सिचुएशन के अंदर लीडर कैसे काम करे ताकि उसकी टीम अच्छा काम कर सके आपको समझना पड़ेगा कि चार प्रकार के लीडरशिप स्टाइल होते हैं और चौवन परसेंट लीडर एक ही स्टाइल के साथ सबसे काम करते हैं हर एक को घोड़ा गधा दोनों को एक ही प्रकार का डीलिंग और इसी कारण वो ज्यादातर समय गलत स्टाइल के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कॉर्पोरेट लीडर दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी भर भी इंपॉर्टेंट है आप खाली नौकरी करते हैं तो भी आप घर वालों से तो लीडरशिप स्टाइल आपको समझना पड़ेगा कि कैसे डील करना है सबसे गलत लीडरशिप स्टाइल के कारण लोग छोड़ के चले जाते हैं डिसंगेज है, हो जाते हैं प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है नेचुरली बहुत कॉस्टली पड़ता है आप अच्छा काम नहीं कर पाते पहले समझिए लीडरशिप स्टाइल में ये पर्सन बेस्ड नहीं है टास्क बेस्ड है यानी कि एक ही आदमी के साथ अलग अलग टास्क पे आपको अलग अलग स्टाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आपको अलग स्टाइल से मुझे सिखाना पड़ेगा डायरेक्शन का स्टाइल क्योंकि मुझे आता नहीं आपको मुझे बताना पड़ेगा लेकिन अगर बिजनेस ट्रेनिंग करना है वो मुझको आता है तो आपका लीडरशिप स्टाइल मेरे साथ अलग होगा आप केवल डिस्कशन करेंगे मुझे डायरेक्शन नहीं देंगे क्योंकि वो काम मुझको आता है ऐसे ही चार प्रकार के स्टाइल है एक है डायरेक्टिंग दूसरा है मेंटरिंग तीसरा है लिसनिंग चौथा है डेलीगेटिंग चारों का मतलब क्या है समझते हैं मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई नया नया आया और नए एम्प्लॉय को काम करना बिल्कुल नहीं आता है वो बिल्कुल फ्रेशर है तो तब उसको केवल डायरेक्शन देना है सपोर्ट नहीं देना अब समझिए डायरेक्शन सपोर्ट डायरेक्शन सपोर्ट से समझिएगा ये दो वर्ड याद रखिए बस आपको उसको डायरेक्शन देना तब उस समय सपोर्ट नहीं देने का मतलब है उसके साथ बैठना नहीं है टाइम नहीं बताना डायरेक्शन देना बेटा ये काम करो ऐसे काम करो गुड बॉय ऐसे काम करो ऐसे काम करो डायरेक्शन देके आ जाओ लेकिन जैसे जैसे वो तीन चार नंबर आने लग जाते हैं उसके में से अब आप उसके साथ बैठ के समय भी लगाओगे डायरेक्शन भी दोगे सपोर्ट भी दोगे क्योंकि आपके लिए वैल्यूबल होता जा रहा है वो और अब उसको सपोर्ट की भी जरूरत है अब उसको सपोर्ट भी चाहिए आपसे ताकि वो और आगे बढ़े जब वो काम सीखने लग जाता है सीखने के बाद में अब वो सेवन अपॉइंट टेन हो गया है अब आपको उसको डायरेक्शन ज्यादा नहीं देना क्योंकि काम आ गया उसको अब खाली सपोर्ट देना इंकरेजमेंट देना, देना, देना है सपोर्ट देना इंकरेजमेंट देना है और फाइनली जब वो नाइन पॉइंट टेन हो गया उसको पूरा काम आ गया तो ना उसको डायरेक्शन चाहिए ना सपोर्ट चाहिए उसको खाली डिस्कशन चाहिए और वहां पे वो डेलीगेशन हो जाएगा उसको जब आदमी को काम करना पूरा आता है तो आप उसको उसको कुछ नहीं वो खाली आपसे डिस्कस करेगा डिसीजन ले लेगा ले आप आपने डेलीगेट कर दिया अपने आप कर लेगा तो जो एक्सपर्ट होते हैं हर समय उनको बताया नहीं जाता ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो अगर आपकी धर्म पत्नी को खाना बनाना आता है तो बताओ मत कैसे बनाना है तब खाली डिस्कस करो कि जाने मन आज क्या बनाओगे आज से भी बढ़िया दाल कैसे बनेगी बट डिस्कशन कर लो अपने आप, आप बना लेंगे वो जिस चीज का आदमी को काम आता है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन मत दो उसके ऊपर खाली डिस्कशन करो समझदार लीडर वो है जब कोई पत्थर फेंकता है तो वो उससे भी मजबूत स्मारक बना सकता है आपने सुना है मैं आपको आज पूरा एग्जाम्पल दूंगा चक दे इंडिया मूवी का याद है आपको कबीर खान शाहरुख खान जब उस मूवी में चालू करता है तो शुरुआत में जो डायरेक्शन का स्टाइल मैंने आपको बताया है जहाँ खाली डायरेक्शन देना है सपोर्ट नहीं सीधा सीधा बोलना है लड़कियाँ सारी अलग अलग जगह से आती हैं उनसे पूछता है अपना इंट्रोडक्शन दो तो बोलती है वो पंजाबी लड़की मैं पंजाब से हूँ ओ जी मैं जी हरियाणा तो आई हूँ है जी ऐसे ही कोई बंगाली थी कोई महाराष्ट्रियन थी अपने अपने स्टेट्स का नाम ले रहे थे तो तब वो वन अपॉइंट टेन थे इंडिया के हिसाब से उसने खाली बताया तुम सब इंडिया के लिए खेल रहे हो स्टेट के लिए नहीं डायरेक्शन सपोर्ट नहीं केवल डायरेक्शन भागो चक्कर काटो ग्राउंड के डायरेक्शन थोड़ा मूवी आगे बढ़ी उसके बाद वो डायरेक्शन तो दे रहा था कि एक टीम एक टीम एक टीम लेकिन अब उसने सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया याद है आपको जिस समय वो सारी लड़कियों को लंच पे लेके गया था तो वहां नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को चार लड़के छेड़ रहे थे वहां झगड़ा हो गया तब उसने सपोर्ट किया लड़कियों को डांटा नहीं जब लड़कियों ने जाकर के लड़कों को मारा पीटा वहां पर तो वो चुपचाप देख रहा था यानी कि उसका साइलेंट सपोर्ट था वहां पर क्योंकि वो लड़कियां अब फोर पॉइंट टेन पर आ रही थी आगे बढ़ रही थी और फिर उसके बाद इतना ज्यादा आगे बढ़ी कि उसके बाद उसने डायरेक्शन देना कम कर दिया सपोर्ट और बढ़ा दिया जब बोला कि मैनेजमेंट ने लड़कियां नहीं जाएंगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए हॉकी के लिए केवल लड़के जाएंगे तो उसने क्या बोला एक काम करते हैं तुम्हारी टीम मेरी टीम के खिलाफ मैच हो जाए देखेंगे उसके बाद अगर हम जीते तो हम जाएंगे नहीं तो लड़कों को ले जाना उसने इतना सपोर्ट एक्सटेंड किया अपना नाम रिस्क पर लिया और आगे बढ़ा दिया कोच कबीर खान ने चैलेंज कर दिया मैनेजमेंट को इतना सपोर्ट किया लड़कियों को अब डायरेक्ट नहीं किया अब तो लड़कियों ने जान लगाई और बाद में वो सब लड़कों ने लड़के जीत तो गए लेकिन इतनी तालियां बजाई कि लड़कियों को भी बाद में वर्ल्ड कप में ले गए फाइनली जब चौथे स्टेज पर आए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह काम मैच चल रहा था उस समय आगे की दो फॉरवर्ड प्लेयर्स आपस में भिड़ रही थी तब उसने डिस्कशन किया उनके साथ में कि भारत को जीतना है या आपको जीतना है डिस्कशन किया उन्होंने उस समय उन्होंने ना डायरेक्शन दिया ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, करो कुछ नहीं बोला और उनको सपोर्ट भी नहीं चाहिए अब तो वो खिलाड़ी हो चुकी थी पूरी और उसके बाद वो लड़कियों ने फाड़ डाला और मैच कैसे जीते ये इसको बोलते हैं चक दे इंडिया इसी तरीके को सीखना पड़ेगा कि एक आदमी के साथ कब आपको कैसे डील करना है एक्सपर्ट को बताते नहीं है उससे डिस्कस करते हैं और नए खिलाड़ी को बताते हैं उससे डिस्कस नहीं करते हैं तो जूनियर के साथ सीनियर के साथ काम करने का तरीका अलग है आप अथॉरिटेटिव तरीके से जूनियर के साथ चलेंगे इसको प्रिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन बोलते हैं और फैसिलिटेटिव तरीके से चलते हैं सीनियर के साथ जिसको काम करना आ जाता है उसको खाली फैसिलिटेट करते हैं उसको लिसन करते हैं सपोर्ट करते हैं उसको एनकरेज करते हैं जूनियर को बताते सिखाते हैं सीनियर के साथ डिस्कशन करते हैं इसको बोलते हैं चार प्रकार के लीडरशिप स्टाइल यहां से जो हटाया आपने ध्यान हो जाएगा आपका बड़ा नुकसान क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट स्कोर बोर्ड स्ट्रैटेजी बड़े बड़े बिजनेसमैन की शुरुआत से आगे बढ़ते वक्त सफलता का कारण है कि उनके स्कोर स्कोरबोर्ड बड़े मजबूत होते हैं बहुत बार लोग पूछते हैं स्कोर बोर्ड बनाया कैसे जाता है अभी सुनो कैसे बनाया जाता है हर डिपार्टमेंट को हर आदमी को हर इंडिविजुअल को स्ट्रॉन्ग केपीआई बना के देना है जिससे बनता है स्कोरबोर्ड केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हर आदमी के काम पे एक गणित लगाना एक मैथमेटिक्स लगाना है कि ये काम रोज होगा जिसको शाम को स्कोर बोर्ड से मेजरमेंट मिल जाए गोवा के बीच पे जिंदगी भर लेमोनेट पीना और आपका धंधा अपने आप बढ़ना दुबई के बीच पे लेमोनेट पीना या वृंदावन में जाके भगवान के नाम का भजन करना आपका बिजनेस अपने आप बढ़ना यह कब होगा सपना पूरा जब आपके स्कोर बोर्ड हो जाएंगे मजबूत जब स्कोर बोर्ड चालू होता है तो फुटबॉल में जो खिलाड़ी पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं और फुटबॉल मैच में स्कोरबोर्ड चालू होने के बाद खेलते हैं दोनों में एनर्जी का जमीन आसमान का अंतर होता है कभी बास्केटबॉल में प्रैक्टिस करते हुए बच्चों को देखना और एक्चुअल बास्केटबॉल खेलते वक्त जब स्कोरबोर्ड चालू हो जाए देखना जमीन आसमान का एनर्जी में अंतर होता है पीपल प्ले डिफरेंटली वेन दे हैव स्कोर बोर्ड गोल्डन स्टेटमेंट कम ऑन पीपल प्ले डिफरेंटली दे प्ले डिफरेंटली जान लगा देते हैं जब स्कोरबोर्ड चालू हो जाता है स्कोरबोर्ड टेस्ट मैच क्रिकेट का हो आपस में मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस मैच हो कोई जान नहीं लगाता लेकिन जब स्कोरबोर्ड चालू हो जाए इंडिया पाकिस्तान का एडी चोटी का जोर लगा देते जीतना ही जीतना है अपनी टीम को जिताओ उनका स्कोरबोर्ड चालू करो बनाते कैसे हैं स्कोरबोर्ड में देखिए इससे सारे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस उनका स्किल विल उनकी प्रोडक्टिविटी उनकी क्वालिटी उनका सब चीजों को आप मेजर कर सकते हो विदाउट सेल्फ इवेल्यूएशन फेलियर इज इन करना कैसे है अलग अलग डिपार्टमेंट का उदाहरण देता हूं जैसे डिजिटल मार्केटिंग का करना हो तो उनका लीड जनरेशन कितना हो रहा है उसको मेजर करो उसकी कॉस्ट पर लीड कितनी आ रही है इतनी लीड आई एक रुपए की लीड लाने के लिए कितना पैसा लगा सोशल मीडिया पर ट्रैफिक कितना ला पा रहा है क्वालिफाइड लीड अपॉन टोटल लीड भी चेक कर सकते हो आप कि अच्छी लीड अपॉन टोटल टोटल लीड आई दस हजार पर काम की लीड थी सौ कॉस्ट पर सेल निकाल सकते हो भाई तूने इतनी लीड लाई उसमें से कन्वर्जन का ट्रैफिक रोकड़ा कमाई तो इतने की हुई ना उसे बोलते हैं कॉस्ट पर सेल ऐसे ही आप डेली वीकली मंथली सेल्स रेवेन्यू भी मेजर करते हो भाई तुम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो इससे मेरे इतने रुपए की सेल टोटल हुई महीने में इसको बोलते हैं बेसिकली मेट्रिक केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कभी वेंडर से काम कराओ केपीआई डालो एंप्लॉय से काम कराओ केपीआई डालो खुद भी काम करो केपीआई डालो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वो इंडिकेटर से पता चलेगा टोटल यूजर कितने हैं अपने पास उसमें से एक्टिव यूजर कितने हैं तो एक्टिव यूजर अपॉन टोटल यूजर आपका सोशल मीडिया का टोटल रीच कितना है टोटल एंगेजमेंट कितना है मैं भी देखता हूँ अपने सोशल मीडिया पे आज हमारे फेसबुक चैनल पे 40 करोड़ का व्यूअरशिप है पर मंथ अमेजिंग तरीके से बढ़ रहा है तीस चालीस हजार फॉलोअर्स पर डे एड हो रहे हैं फेसबुक पे हमारे यूट्यूब आज वर्ल्ड में नंबर वन चल रहा है हमारा अंतरप्रोरशिप में हम सारे नंबर्स को मेजर करते हैं आपको देखना है कि वेबसाइट पर यूजर कितना है पेज व्यू कितना है एवरेज सेशन कितना है बाउंस रेट कैसा है अनसब्सक्राइब रेट कैसा है डिलीवरी रेट कैसा है आपके ईमेल का इससे इन केपीआई से पता चल जाता है कि भाई एक्चुअली चल क्या रहा है आपके साथ में अगर कुछ कंटेंट बनाया है कंटेंट के पे देखा, है, पे देखा उससे कितनी लीड जनरेट हुई उसको कितनी बार देखा गया या उसमें कमेंट्स कितने आ रहे हैं या उसको कितने लोगों ने शेयर किया मान लो देखा दस लोगों ने शेयर किया एक लोगों ने तो शेयर पर व्यू आपका दस हो गया पूछो ऐसा कंटेंट बनाओ कि हर आदमी शेयर करे वीडियो को कीवर्ड रैंकिंग चेक कर सकते हो आप फाइनेंस के केपीआई चेक करो केपीआई केपीआई स्कोर बोर्ड स्कोर बोर्ड स्कोर बोर्ड हर आदमी पे हर डिपार्टमेंट पे स्कोर बोर्ड डाल दो याद है ना स्ट्रैटेजी का मतलब अभी कहां जाना कहां कैसे जाओगे स्कोर बोर्ड की मदद मतलब से जाओगे फाइनेंस वालों का चेक करो उनका पेमेंट एरर रेट कितना है आपका कैश बर्न रेट कितना है यूनिट लेवल मार्जिन कितने जूस की बोतल बनाते हो ये मेरे पास पड़ी है पानी की बोतल मैं अगर ये बोतल बनाता हूं मैं दस हजार बोतल बेचता हूं लेकिन एक बोतल पे मैं कितना रुपया कमा रहा हूं केपीआई हो गया आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक करना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल का टर्नओवर देखना है इन्वेंट्री का टर्नओवर देखना है आपको बजट का वेरियंस देखना है कि भाई इतना बजट हमने कहा था कि सौ रुपए का बजट है एक सौ दस रुपया खर्च हो गया या नब्बे रुपए में ही काम कर लिया अगर ऐसे आपने एक टीम बनाई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखा जो फाइनेंस का हो और अपने साथ में एक आदमी जो एक्सेल और एम आई एस पे काम कर सके या सॉफ्टवेयर पर काम कर सके सबकी रिपोर्ट बना दे एचआर वाले का भी चेक कर सकते हो आप कि भाई वो जॉब सेटिस्फैक्शन रेट कैसे चल रहा है एबसेंटिजम रेट क्या है इस समय मेरा अगर तू हायरिंग कर रहा है तो टाइम टू हायर कितना लग रहा है कितने दिन में एक एम्प्लॉय हायर कर लेता है आप क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने ला रहा है क्वालिटी ऑफ हायर कैसा है कॉस्ट पर हायर कितना आ रहा है एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम का क्या रेट चल रहा है ये सारे केपीआई हैं ड बनाने का प्रैक्टिस शुरू करो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैंने बीस चैप्टर लेने हैं आप ट्रेनिंग का देख सकते हो ट्रेनिंग स्पेंड पर एम्प्लॉई या ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है या फिर आप आई का देख सकते हो कितने क्रिटिकल बग्स आ रहे हैं रेजोल्यूशन ट्रेड कैसा है एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या आ रहा है ये सारे क्राइसिस मैनेजमेंट कितनी बारी हो रहा है कि उसके बाद टीम में एक्ट्रिशन तो नहीं हो रहा है वो तो चलो एचआर का हो गया आप इसी तरह से डाउन टाइम रेट चेक कर सकते हो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में देखो कस्टमर कितना खुश है कितना दुखी है आपसे ये ईमेल बैकलॉग कितना है कस्टमर का एवरेज टॉन्ग टाइम आपका कस्टमर से कितना है कस्टमर को कितनी देर में आप फोन उठाते हो कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है उस कस्टमर के साथ में पुराने कस्टमर के साथ में या इनबाउंड कॉल अगर आ रही है आपको तो कितनी कॉल आपने हैंडल करी पर एजेंट पर आवर या कंप्लेंट वर्सेज रेजोल्यूशन चेक करो एक हजार कंप्लेंट आई रिजॉल्व कितनी हुई नौ सौ हुई यानी कि नाइन्टी परसेंट हो रही है हंड्रेड परसेंट पर कब पहुंच सकते हैं हम तो यही है सारे तरीके जिससे आप स्कोर बोर्ड बनाओगे स्कोर बोर्ड आ जाएगा लोग भागने लगेंगे जब स्कोर चालू होता है तो खिलाड़ी तेज खेलता है आज अगर दे दिया आपने मेरा साथ और सुन ली मेरी बात दे दोगे हर तकलीफ को मात याद रखना एक ही बात नो रिपीट टेलीकास्ट आज यूट्यूब पे दोबारा नहीं होगा उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वर्ल्ड एमएसएमई वीक ये जो हम हफ्ता मना रहे हैं इसके बारे में जल्दी बताऊंगा आपको अगला मेरा स्ट्रैटेजी होशिंग कैनरी होशी इन कैंडरी एग्जीक्यूशन का मॉडल है स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन अभी है जाना है कैसे जाओगे एग्जीक्यूशन से जाओगे सफलता आपको एग्जीक्यूशन से मिलती है आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं आपको इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है लेकिन अभी आप यूट्यूब का ये वीडियो सबको शेयर कर सकते हो बाद में ये हट जाएगा वीडियो खत्म होते ही ये खत्म हो जाएगा इस वीडियो को फैला सकते हो साथ साथ आप शेयर कर सकते हो जिसने सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया करवाओ क्योंकि ऐसे आपसे मिस हो जाएंगे विजनरी कंपनी के लिए एक विजन नाइनटी एग्जीक्यूशन चाहिए आपको होशिन कैनरी होता क्या है पहले समझे होशिन का मतलब है डायरेक्शन कैनरी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन होशिन मतलब दिशा कैनरी मतलब दशा

थोड़ा आसान करता हूं साधारण जिंदगी में भी काम आएगा आपको क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है बींग इफेक्टिव और बींग इफिशियंट पहले क्या आता है इसको हिंदी में पूछते हैं काम को सही काम करें या काम को सही ढंग से करें ऊपर लिखा है सही काम करें नीचे काम को सही ढंग से करें ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है ज्यादातर लोग बोलते हैं काम को सही ढंग से करें नहीं पहले होना चाहिए सही काम करें होशीन में पहले डायरेक्शन है सही काम करें डूइंग द राइट थिंग्स नॉट डूइंग थिंग्स राइटली दो बातें हैं ना ये सही काम करें मतलब डूइंग द राइट थिंग्स काम को सही ढंग से करें मतलब डूइंग थिंग्स राइटली तो जो सही ढंग से करना है एफिशिएंसी लाना है स्पीड लाना है वो बाद में आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन बाद में आएगा पहले क्या है इफेक्टिवनेस यानी कि सही काम करें सही डायरेक्शन में जाएं, पहले डायरेक्शन आएगा बाद में स्पीड आएगी बात को समझिए आप कि जब आपने टायर फिट करना है गाड़ी के अंदर असेंबली लाइन में उदाहरण लिया मैंने आप बंपर फिट करते वक्त आगे का पीछे फिट कर दो पीछे का आगे फिट कर दो एक घंटे में दस करते थे आपने घंटे में पचास कर दिया आपने ज्यादा स्पीड से कर दिया फायदा नहीं है एग्जीक्यूशन स्पीड ये बाद में है पहले आपको डिसाइड करना है सही काम क्या है इसीलिए होशिन कैंड्री में सबसे पहले क्या आता है होशिन आता है होशिन मतलब डायरेक्शन तो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी टीम को कम्युनिकेट करना पड़ेगा डायरेक्शन है क्या सो होशिन का रूल क्या है होशिंग का पहले रूल समझिए आप इसके लिए होशिन यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए आपको चाहिए कैच बॉल कैच बॉल इसका एक रूल होता है कि जब भी आपने विजन इस्टैब्लिश कर लिया क्लैरिटी रोल क्लैरिटी गोल क्लैरिटी एस्टैब्लिश कर ली कि भाई तुम ये तुम्हारा ये रोल है ये गोल है तुम्हारा ये रोल है ये गोल है तुम्हारा ये रोल है ये गोल है रोल मतलब एच गोल मतलब इतने आदमी हायर करने हैं रोल मतलब सेल्स गोल मतलब तुमको आज इस महीने दस लाख रुपए का माल बेचना है रोल और गोल आपने बना दिया अब क्या करना है कैच बॉल कम्युनिकेट आपने बॉल फेंकी उसको गोल समझाया उसने बॉल वापस फेंकी सर मुझको ये समझ में आया आपने फिर बॉल फेंकी तुमको क्या समझ में आया उसने वापस बॉल फेंकी सर मुझको ये समझ में आया। यानी कि एक दूसरे से बार बार बात करनी है आपको दी जब तक क्लैरिटी नहीं होगी कम्युनिकेशन में हमेशा रहेगी कंफ्यूजन रहेगी कम्युनिकेशन में सारी समस्याएं इसीलिए आती हैं बाद में आता है कैनरी यह था होशिन कैच हाँ? बॉल क्या आपने क्या किया एनुअल ऑब्जेक्टिव बना लिए कम्युनिकेट कर दिया एनुअल ऑब्जेक्टिव रोल क्लैरिटी गोल क्लैरिटी बना ली ये था आपका होशीन. अब नीचे आता है आपका कैनरी कैनरी का मतलब क्या हो गया पीडीसी रिव्यू करो रिव्यू करो मंथली रिव्यू आपको क्वार्टरली रिव्यू आपको वीकली रिव्यू आपको जब आपने रिव्यू स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए वो हो गया मैनेजमेंट भाई काम हुआ कि नहीं हुआ काम हुआ कि नहीं हुआ देखिए होशिन कैनरी को जेरोक्स भी फॉलो करता है टोयोटा भी फॉलो करता है ये जैपनीज स्टाइल है और राधेशाम दीक्षित है हमारे प्रोफेसर आनंदा डेरी के वो भी इसको फॉलो करते हैं इसको बेसिकली एओपी भी एक मॉडल होता है एनुअल ऑपरेटिंग प्लान एनुअल ऑपरेटिंग प्लान क्या होता है बजटेड विमोसा यानी कि आपने विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी एक्शन प्लान को बजट दे दिया इतने रुपए में ये काम हमारे को इस साल में खत्म करना है ड्रीम इज वॉट वी सी रियालिटी इज वॉट वी एग्जीक्यूट यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम एक्सक्यूजेस टू एग्जीक्यूशन और उसके लिए आपको ये दो चीजें आपको क्लियर तरीके से चाहिए एक हमें जाना कहां है उसके बारे में सबको बहुत अच्छे से बताना है और उसके बाद जाना कैसे है यानी कि उसके लिए आपको रिव्यूज करने हैं पहले कैच बॉल कैच बॉल कैच बॉल कर लिया फिर रिव्यू करके इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर लिया यही है होशीन जब पूरी कंपनी को क्लैरिटी हो जाए साधारण भाषा में समरी क्या है आपके चौकीदार से मैं पूछ लू मेरा रोल क्या है और टॉप थ्री गोल क्या है डांस करना चाहिए पूरी कंपनी को आपकी एक एक एंप्लॉई को किसी को भी खड़ा कर दूं आपकी कंपनी में मेरे पीछे कैमरामैन खड़ा है कैमरामैन बोलो जोर से यस yes, सर आपका रोल क्या है टॉप थ्री गोल क्या है उसको बता सकना चाहिए अगर वो नहीं बता पा रहा है तो आप होशिन के एंडरी में कमजोर है हर आदमी को पता होना चाहिए उसे ऐसे पकड़ के डांस करा दो ऐसा खड़ा करा के ओए मेरा रोल क्या है और टॉप थ्री गोल क्या है मेरा रोल क्या है टॉप थ्री गोल क्या है हर आदमी को पता रहना चाहिए उसका रोल क्या है गोल क्या है उसके बाद उसका रिव्यू रोल और गोल हो गया होशिन उसका रिव्यू रिपोर्टिंग हो गया कैनरी जब ये दो काम कर दिए तो कोई समस्या नहीं आएगी ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं नेल्सन मंडेला ने ऐसा कहा है और इसी ज्ञान को बांटने के लिए हम वर्ल्ड एम वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है चौबीस से तीस जून तक हम अपने ई के साथ में दस कोर्सेज फ्री दे रहे हैं दस के दस कोर्सेज अगर आप फ्री लेना चाहते हैं इसके तीन दिन बचे हैं आपके पास में सत्ताईस आज की रात अट्ठाईस उनतीस तेईस यानी कि कल के कल से तीन दिन और आज की रात भी बची है यानी कि आप तुरंत फोन लगा सकते हैं

यानी कि वीकनेस या थ्रेट जो है वहां से इशू निकल के आता है इसी में मैं आपसे दो बातें डिस्कस करूंगा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और ड्राइवर सुनने में सब मुश्किल लगते हैं लेकिन मेरे साथ बने रहना समझाएंगे आपको इस सारी बातें याद रखना यूट्यूब भी आपको दिया इस बार पहली बार हमने यूट्यूब पर दिया शेयर करते रहिएगा इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहिए लोगों को फैला दीजिए इस वीडियो को और मेरे साथ बने रहिए नो रिपीट टली का हर समस्या के दो समाधान है या तो भाग लो या उसमें भाग लो Huh? भाग पार्टिसिपेट या भाग लो इशू ढूंढो इशू प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टॉप साइंस दे आर गाइडलाइंस इशू ढूंढो आइडेंटिफाई करो इशू को सजेस्ट करो सोल्यूशन को इंक्लूड करो एक्शन को इसको बोलते हैं इशू बेस्ड ट्रैटेजी साधारण भाषा में समझते हैं अपनी कंपनी में इश्यू सबसे बड़ी प्रॉब्लम जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम याद रखना जितना बड़ा प्रॉब्लम आता है कंपनी के अंदर वहीं सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी हुई है प्रॉब्लम में समस्या में ही ग्रोथ छुपी हुई है अक्षय कुमार ने पैडमैन पिक्चर बना करके अमेरिका में यही बोला था माई कंट्री बिग प्रॉब्लम यानी कि बिग अपॉर्चुनिटी अपनी कंपनी में ढूंढो कहां पर है क्राइसिस वहीं बनेगा प्रोसेस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर तीन वर्ड है क्रिटिकल यानी कि सबसे जरूरी सक्सेस यानी कि सफलता फैक्टर फैक्टर का मतलब जानते ही हैं फैक्टर वो सोर्स है वो तरीका है अब ढूंढिए कि कौन सी चीज में सबसे बड़ी ग्रोथ आएगी आपकी किसने आपकी कंपनी को रोका है होल्डिंग यू बैक वॉट इज होल्डिंग यू बैक इन योर कंपनी समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल जो आपके प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट या कंपनी को सफल बनाता है ये बेसिकली नई चीजों के बारे में नए काम क्या करते रहे पुरानी समस्याओं से ढूंढ करके नए इनिशिएटिव लेके आए कि मैं रेवेन्यू कहां से बढ़ाऊंगा नई रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी कैसे लाऊंगा नया प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा मैं अपने वॉल्यूम को कैसे बढ़ाऊंगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे इंप्रूव करूंगा लॉसेस को कैसे रिवर्स करूंगा स्ट्रीम कैसे करूंगा ऑपरेशन नए काम क्या करने हैं ढूंढो कि क्या चीज आपके गोल के लिए जरूरी है कौन सी चीज जरूरी है आपकी कंपनी में गोल के लिए उसके बाद जो आपने लिस्ट बनाई उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन है उसका परफॉर्मेंस मेट्रिक्स बना दो जैसे मैंने स्कोर बोर्ड का चैप्टर इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आज मैं अलग अलग चैप्टर्स में दे रहा हूं और फिर इस वर्ड को कम्युनिकेट करूं जैसे मैं होशिन कैंड्री में समझाता हूं क्या क्या हो सकते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्शन हो सकता है रिलेशनशिप बिल्डिंग हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर सीट सैट स्कोर बोलते हैं इसको डिजाइन इंप्रूव करना है नए प्रोडक्ट रेंज लेकर के आनी है या फिर वेंडर को मैनेज करना है कस्टमर का रिटेंशन या रेफरेंस लेकर के आना है या फिर कस्टमर को लॉयल बनाना है ये सब क्या हो सकते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है ये सब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है नाइन आउट ऑफ टेन ऑर्गेनाइजेशन फेल टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी गोल्डन स्टेटमेंट है इसके लिए स्वॉट एनालिसिस नाम सुना होगा मैं जरा इजी कर देता हूं आपके लिए स्वॉट एनालिसिस में चार चीजें हैं दो ऊपर हैं दो नीचे हैं जो ऊपर है उसको बोलते हैं इंटरनल या आपकी कंपनी के अंदर होती हैं आपकी अपनी स्ट्रेंथ और आपकी अपनी वीकनेस ये कंपनी के अंदर होती हैं और दो नीचे है अपॉर्च्युनिटी बाहर कहां से ग्रोथ आएगी वो एक्सटर्नल है थ्रेट कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है मुझको कैसे बर्बाद कर सकता है ऊपर की दो इंटरनल है आपकी अपनी स्ट्रेंथ आपकी अपनी वीकनेस और नीचे के दो एक्सटर्नल है नया बिजनेस नया ग्रोथ नया ज्योग्राफी नया टेरिटरी नया रेवेन्यू कहां से आएगा ये बाहर है और थ्रेट कोई और कॉम्पिटिटर तो नहीं मुझे खा जाएगा खत्म कर देगा अपने आप से कुछ प्रश्न पूछो स्ट्रेंथ जानने के लिए आपका कौन सा प्रोसेस आपको सफलता दे रहा है आपकी सबसे बड़ी एसेट स्ट्रेंथ क्या है आपका नॉलेज है कि एजुकेशन है कि नेटवर्क है इसके लेकर रेपुटेशन है फिजिकल एसेट भी होते हैं ऐसे आपके कस्टमर हैं आपके इक्विपमेंट हैं आपकी टेक्नोलॉजी है आपका कैश है आपके पेटेंट है आपके पास में कम कॉम्पिटिटर के मुकाबले क्या स्ट्रेंथ है जो भी देखते हैं कॉम्पिटिशन के मुकाबले देखते हैं दूसरा आप अपनी वीकनेस देखो ये भी इंटरनल है कि आपके कौन से प्रोसेस में इंप्रूवमेंट चाहिए आपके कौन से एसेट में पैसा लगाना जरूरी है इस समय आपके यहाँ कौन सी टीम में गैप है आपके पास लोकेशन ठीक है कि नहीं है और आपके कॉम्पिटिशन के पास क्या है जाइए आपकी वीकनेस है ऐसे ही ऑपरचुनिटी मार्केट कहाँ जा रही है कहाँ ग्रो कर रही है अपकमिंग ट्रेंड्स क्या है मार्केट में क्या चेंजेस आने वाले हैं रेगुलेशन क्या होने वाले हैं सरकार क्या कोरोना से क्या ये सब चीज़ें हैं आपकी बाहर की अपॉर्चुनिटी ऐसे ही होता है बाहर से थ्रेड कि पोटेंशियल कॉम्पिटेटर कौन है नया कॉम्पिटिटर कौन है रॉ मटेरियल ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा मुझको टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस लेकर के आने हैं जो बाहर आ चुके हैं चेंजेस पहले से कंज्यूमर का बिहेवियर क्या चेंज हो रहा है मार्केट ट्रेंड क्या चेंज हो रहे हैं बात समझिए इससे निकल के आएगा आपका इशू क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जिस जब भी एनर्जी लगानी हो सब जगह नहीं लगाते एक जगह लगाते हैं सौ जगह एक फुट गड्ढा खोदोगे कैसे पानी मिलेगा सही जगह पे सौ फुट गड्ढा खोदोगे तो पानी मिल जाएगा इसीलिए इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी इशू ढूंढो और पूरी कंपनी की जान उस इशू पे लगा दो नया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ढूंढो पूरी कंपनी की जान उस पर लगा दो सक्सेस इज ट्वेंटी स्किल एट्टी एनर्जी सो अ विजन विदाउट स्ट्रेटेजी रिमेन एट

उसी शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एम वीक ना केवल हम पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है बस हमारा सेलिब्रेट करने का तरीका अलग है कि हम तीस तारीख तक तीन दिन बचे हैं दस कोर्सेज फ्री दे रहे हैं आपको इसके बारे में फोन लगा के पता लगाना है ये इवेंट है सबसे खास यही रचवाएगा आपसे इतिहास याद है ना नो रिपीट टेलीकास्ट बने रहिए मेरे साथ अगली स्ट्रैटेजी बहुत कमाल है फॉर्च्यून एट बॉटम ऑफ पिरामिड पिरामिड मतलब पूरा देश समझ लो उसमें जो निचला तबका है जो पैसे नहीं दे सकता आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ वहीं से आ सकती है फॉर्च्यून मतलब धन बॉटम ऑफ पिरामिड मतलब सबसे निचला तबका बस एक बार याद दिला दूं आपको कि कैसा लगा आपको ये डिसीजन कि हमने यूट्यूब पर ये फ्री इवेंट कर दिया आपके लिए अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यही है वो दुनिया का नंबर वन आंट्रोप्रनशिप यूट्यूब चैनल आगे बढ़ते हैं पुअर पीपल पे मोर बिकॉज दे डोन्ट हैव अ चॉइस विथ लोकल मोनोपली एंड बैड प्रोडक्ट याद रखना लोग ज्यादा दे देते हैं चूंकि आस पास के लोकल प्रोडक्ट पहुंचते हैं उनके पास बढ़िया प्रोडक्ट उनके पास उनके गांव तक पहुंच नहीं पाता है बॉटम ऑफ पिरामिड स्टेट के पुअरेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड कैन गिव यू टू थर्ड ऑफ द रेवेन्यू याद रखना क्योंकि अगर उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट आपने दे दिया सिंपल बात है मैं आपको समझा देता हूं पैंतालीस परसेंट सॉफ्ट ड्रिंक जो है कोल्ड ड्रिंक वो गांव में रूरल मार्केट में बिक्री है इंडिया की 50 परसेंट मोटरसाइकिल गांव में बिकती है 60 परसेंट सिगरेट गांव के लोग कंज्यूम कर रहे हैं हमारे देश में रूरल मार्केट में 55 पचपन दाल चावल आटा रोटी सब्जी तेल साबुन शैंपू ये गांव में बिक रहा है 50 परसेंट नेशनल इनकम गांव से आ रही है 50 परसेंट से ज्यादा एल के प्रोडक्ट रूरल कस्टमर खरीद रहे हैं स्मॉल एसके यू कॉन्ट्रीब्यूट टू 40 परसेंट ऑफ रूरल एरिया मेरी बात समझ लो सेठ जी एफ एम ने कैसे किया इसको शैम्पू के सैशे बना दिए छोटे छोटे बड़ी बोतल बेचने की जगह टेलीकॉम में क्या किया प्रीपेड सिम कार्ड लाए ताकि गरीब आदमी पचास रुपए का प्रीपेड करा के यूज कर ले या रिलायंस जियो आ गया टाटा नैनो ऑल्टो वैगनार गाड़ियां ताकि नीचे के तबके तक पहुंच सके कंज्यूमर प्रोडक्ट एक आया छोटू कूल गोदरेज का फ्रिज छोटा फ्रिज आ गया खाना में फूड के अंदर मैकडोनल्ड आया तो मैं कालू टिक्की बर्गर लेकर के आ गया बीस रुपए का इंडिया में पहले तो दिया करता था सात रुपए दस रुपए पंद्रह में ऐसे ही बेवरेज के अंदर कोका कोला उन दिनों दिया करता था सात रुपए की कोल्ड की, की बोतल, वापस दो, छोटी बोतल। सब जानते है पूरी दुनिया की आबादी पूरी दुनिया में कितने लोग चार सौ करोड़ से ज्यादा लोग महीने का आठ हजार रुपया कमाते हैं साल का लगभग एक लाख रुपया कमाते हैं यानी कि पंद्रह सो डॉलर इन कमाते हैं चार सौ करोड़ सात सौ करोड़ में से यानी कि जो बहुत बड़ी जनता है ना वो कम पैसे वाली जनता है अगर आपने इस नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना दिया बड़ी जनता के लिए कुछ प्रोडक्ट बना दिया उसके लिए कोई सोल्यूशन आर्किटेक्चर बना दिया तो बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी आपकी नॉन कंज्यूमर था वो गांव का आदमी उसको आपने कंज्यूमर बनाया है ऐसे ही मेरे क्लाइंट है कस्टमर हमारे विशाल मलकान वो भी स्टॉक ट्रेडिंग की ट्रेनिंग दिया करते हैं अब स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बड़ी नीच मार्केट है हर आदमी स्टॉक ट्रेडिंग नहीं सीखना चाहता उन्होंने क्या किया

नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बनाने के लिए आपको चार चीजें चाहिए कितनी चीजें चार सुन लेना मेरी बात को ध्यान से नोट पेन रखा होगा आपने पहली चीज बायर को पावर दे दो एक आम आदमी को पावर कैसे दोगे वो खरीदे उसको आप इंटरेस्ट फ्री ईएमआई करा दो या प्रोडक्ट को बहुत सस्ता कर दो दूसरा उसकी एस्पिरेशन को सेटिस्फाई करता हो शेपिंग दी एस्पिरेशन उसको आगे बढ़ने की इच्छा हो आपके प्रोडक्ट के साथ में तीसरा सल्यूशन लोकल होना चाहिए उसकी भाषा में होना चाहिए उसके हिसाब का होना चाहिए चौथा उसका एक्सेस हो उसको मिल सके अवेलेबल हो सके ऐसा नहीं अपने प्रोडक्ट बना के दिल्ली में बेच रहे हो और वो बेचारा पीलीभीत में यूपी के गांव में बैठा हुआ कहीं पे। सो बॉटम ऑफ पिरामिड का मतलब क्या है टॉप ऑफ पिरामिड है अमीर आदमी बॉटम ऑफ पिरामिड है आम आदमी आम आदमी के लिए प्रोडक्ट बनाओ जैसे किंग फिशर टॉप ऑफ पिरामिड पर काम कर रहा था इंडिगो मिडल ऑफ पिरामिड और बॉटम ऑफ पिरामिड पर आया रेडिसन होटल ताज होटल टॉप ऑफ पिरामिड पे काम कर रहा था ओयो मिडल ऑफ पिरामिड और बॉटम ऑफ पिरामिड पे आ गया एयरटेल टॉप ऑफ पिरामिड पे कर रहा पिरा जीओ मिडल ऑफ पिरामिड पिरामिड बॉटम ऑफ पे आया मेरू कैब क्विक कैब महंगी कैब हुआ करती थी अमीरों के लिए हुआ करती थी ओला आम आदमी के लिए आ गया बस में घूमने वाला ऑटो में घूमने वाला भी अब ओला शेड पर जा सकता है इन कस्टमर को उन्होंने परफेक्ट बनाया अफोर्डेबल कर दिया प्रोडक्ट को मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया बड़े चेंजेस लेकर के आए और वहीं से सारी ग्रोथ आती है अगर आपने एक आम आदमी

इसलिए स्ट्रैटेजी के, के प्रोग्राम हमने फ्री दिए क्योंकि ये एक हफ्ता बड़ा काम का है इंडिया रिवाइवल मिशन के लिए हमने 24 से लेकर 30 तक अपने 10 दस जो फ्री किए उसके बारे में आप जानकारी जरूर ले लीजिएगा फोन करके क्योंकि इसके बाद फर्स्ट जुलाई से सारी स्कीम्स बंद अगला चैप्टर मेरा फेवरेट है दूरबीन सिनेरियो एनालिसिस दूर को देख करके आने वाली संभावनाओं को आज ही समझ जाना इसको बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस जीवन में हो जाओगे सफल अगर कर लिया इन स्ट्रैटेजी पे अमल बस थोड़ी देर की और याद है ना नो रिपीट टेलीकास्ट बने रहो मेरे साथ नो रिपीट टेलीकास्ट और यह यूट्यूब लाइक दे देना नीचे नीचे जरा जाओ फटाफट से लाइक दबा दो बटन हा कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहिए इस लाइव सेमिनार के साथ जो दूसरे नहीं देख पाए उसको देखने की कला को कहते हैं सोनारियो अंग्रेजी में गोल्डन स्टेटमेंट क्या है वॉकिंग द बैटल फील्ड बिफोर द बैटल कमेंसिस यानी कि युद्ध होने से पहले ही महाभारत का युद्ध होने से पहले पांडव अपने कमरे में रात को शिविर में कृष्ण के साथ सिनेरियो एनालिसिस करते थे कि कल क्या होने वाला है कैसे सिनेरियोज रहने वाले हैं यही वीर छत्रपति शिवाजी महाराज भी सिनेरियो एनालिसिस किया करते थे पहाड़ों से कहाँ निकल के आएंगे कैसे शत्रु को युद्ध में हराएंगे आर्मी के अंदर वॉर में ये बहुत होता है इसको बोलते हैं एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको अपने बिजनेस प्लान को भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी आपकी अनसर्टिनिटी खत्म होगी कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व कर पाओगे अच्छे डिसीजन ले पाओगे डिसीजन इंफॉर्म्ड होंगे आपके अपने पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा फ्यूचर कंट्रोल कर पाएंगे थोड़ा कुछ समझिए आप आसान कर दूं आपके लिए और दो बातें समझिए एक है फ्यूचर का फोकस नहीं हो पाना एक फ्यूचर का फोकस हो पाना अगर फ्यूचर का फोकस आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं राइट और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं इधर एक एक्सेस पे कमजोर स्ट्रैटेजी मजबूत स्ट्रैटेजी फ्यूचर का फोकस नहीं है फ्यूचर का फोकस है चार क्वाड्रेंट है अगर आपका बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रैटेजी है लेकिन फ्यूचर की समझ नहीं है तो आप केवल पहले के हिसाब से और आज के हिसाब से ही काम कर पाओगे फ्यूचर नहीं अचीव कर पाओगे क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी तो अच्छी है काम करने का तरीका जानते हैं लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला आपको मालूम है नहीं दूसरा ना तो आपका फ्यूचर का फोकस अच्छा है ना आज की स्ट्रैटेजी अच्छी है इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल बिजनेस माल दो पैसा लो माल दो पैसा लो ये आज के हिसाब से बेचारा माइंडलेस एक्शन करता रहेगा आगे चल के किसी भी दिन कोई भी बड़ा जियो जैसा आएगा इसका धंधा उड़ा के गायब करके निकल जाएगा क्योंकि माल दो पैसा लो माल दो पैसा लो दूसरी तरफ एक और आदमी है जिसकी बेचारे की स्ट्रैटेजी कमजोर है लेकिन फ्यूचर को बड़ा अच्छा पहचानता है आगे भविष्य में क्या होने वाला है भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में सोचता रहता है इसको क्या बोलते हैं शेख चिल्ली ये फ्यूचर के बारे में सोचता है सपनों की दुनिया में रहता है अचीव कैसा करना उसकी कोई जानकारी नहीं तो बेस्ट क्वाड्रेंट क्या है जो स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत तेज है और फ्यूचर के फोकस को पकड़ के रखता है समझता है एक साल बाद ये धंधे कैसे चलेंगे तीन साल बाद कैसे चलेंगे पांच साल बाद कैसे चलेंगे अपनी इंडस्ट्री को पहचानता है और साथ में स्पीड रखता है पूरी स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन की उसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर ये चार प्रकार के लोग होते हैं बिजनेसमैन कहा चाहिए आपको स्नैरियो एनालिसिस आपको चाहिए जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो सोचना चाहिए एक साल दो साल तीन साल पांच साल ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करेगा कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सोचिए अगले तीन साल पांच साल दस साल ये इन्वेस्टमेंट कैसा काम करेगी कोई इनोवेशन लेके आना हो यहां तक कि आप अपने बच्चों के साथ लॉकडाउन के दौरान घर में क्रिकेट खेलते थे और कुछ नहीं तो बच्चे पबजी खेलते हैं चेस खेलते फुटबॉल खेलते खेलते हॉकी सब में आपको सिनेरियो एनालाइज करना पड़ता है मैं भी अपने फार्म हाउस में जब सुबह फुटबॉल खेलता हूं, तो जब दूसरी टीम सामने वाली बॉल पास कर रही होती तो हम देखते हैं खाली कौन घूम रहा है किसको पास करेगा उस तरफ उसका कवर पहले डाल देते हैं युद्ध के अंदर बहुत सिनेरियो एनालिसिस होता है और बड़ा बिजनेस के अंदर तो हम केवल सिनेरियो एनालिसिस करते हैं बाकी दुनिया आती है अगर हम एनिमेशन डालते हैं तो वो डालना शुरू कर देते हैं हम फ्रेंचाइजी बनाते हैं तो दूसरे ट्रेनर भी आके फ्रेंचाइजी बनाना शुरू कर देते हैं हमने आके आईबीसी बनाए तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया और हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए फ्री वेबिनार किए तो लोग सोचते हैं अब हम लोग भी ऐसा करना शुरू कर दें ये सब क्या है बेचारे पीछे पीछे आते रहते हैं जैसे जैसे विवेक बिंद्रा करते जाओ करते जाए लेकिन हम लोग आगे फ्यूचर फोकस के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस बनाते जा रहे हैं हम कस्टमर को देखते हैं कॉम्पिटिटर को कभी नहीं देखते बात समझिए आपने कोई भी डिसीजन लिया उस डिसीजन के समझो दो आउटकम निकल के आए अब वो जो दो आउटकम निकल के आए हर आउटकम से कोई सिनेरियो पैदा हो जाएगा एक आउटकम से दो सिनेरियो पैदा हुआ नीचे वाले आउटकम से दो सिनेरियो पैदा हुआ अब वो जो सिनेरियो पैदा हुए उनके बारे में सोचो कि इन सिनेरियो के रिजल्ट क्या होंगे फर्दर आउटकम क्या होंगे तो उनसे आठ प्रकार के रिजल्ट निकल के आ सकते हैं

सप्लायर का माइंडसेट तो नहीं बदलेगा कस्टमर का माइंडसेट तो नहीं बदलेगा कॉम्पिटिटर कहीं बहुत तेज तो नहीं निकल जाएगा एंप्लॉयज कहीं बदल तो नहीं रहे हैं मेरे शेयर होल्डर ऐसा इन्वेस्ट करना बंद तो नहीं कर देंगे सरकार कोई नई पॉलिसी तो नहीं लेके आ जाएगी एसेस करो अंदर अपनी कैपेबिलिटी डिसेबिलिटी के आने वाले चेंज के लिए मैं कितना तैयार हूं और चेंज क्या आने वाला है जब आपने ये चेंज कर लिया उसके बाद अब आप एक पूरी मूवी सीन की तरह जैसे मूवी का सीन बनाया जाता है ना स्क्रिप्ट लिखी जाती है वैसे बैठ करके सोचो कि आगे क्या क्या होगा और मैं कितना तैयार हूं उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है मैं जो नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूं क्या मेरा कस्टमर उसके लिए मुझे एडवांस पैसा देने को तैयार होगा या कस्टमर उधार तो नहीं मांग लेगा मुझसे क्या वो मेरा कस्टमर आने वाले समय में बायर होगा होगा कि बार्गेनर हो क्या टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट कितनी बदल जाएगी बात बड़ी सिंपल है सीखो 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 इसीलिए किया मेरे साथ बने रहो कोई भी जिसे सीखना छोड़ दिया है चाहे वो अस्सी साल का या बीस साल का है वो है तो बूढ़ा बीस साल का आदमी भी बूढ़ा है अगर वो सीखना बंद कर दे इसीलिए ये वर्ल्ड डे में सेमी वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लोगों को सिखाने के लिए जो दस कोर्सेज फ्री दे रहे हैं ना बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके पता लगाइए कैसे मिल रहे हैं आपको दे दिया अगर, अगर अपनी लर्निंग पर ध्यान तभी तभीओगे व्यापार जगत के विद्वान याद रखना नो रिपीट टेलीकास्ट ये कोई और वीडियो अगर यूट्यूब पे किसी ने डाल दिया स्ट्राइक डाल के बेचारे का चैनल चला जाएगा मेरे साथ बने रहिए नोट्स बनाते रहिए और मेरी अगली स्ट्रैटेजी है मैकेल सेवन एस फ्रेमवर्क मैकेल दुनिया की टॉप कंसल्टिंग कंपनी में से एक है

इन सेवन एस से समझ में आ जाएगा क्या है ये सेवन एस स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम शेयर्ड वैल्यू स्टाइल स्टाफ और स्किल ये सात हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं सातों को एक एक करके समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट अभी कर लो इसमें से तीन हार्ड हैं चार सॉफ्ट हैं हार्ड और सॉफ्ट में फर्क क्या है जो हार्ड है जो ऊपर वाले हैं स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर और सिस्टम ये लीडरशिप बनाती है ये आप तय करेंगे ये टॉप मैनेजमेंट तय करती है कि स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम कैसा रहने वाला है और जो नीचे के चार हैं स्टाइल स्टाफ स्किल और शेयर वैल्यू ये पूरी कंपनी करती है यानी कि ऊपर के तीन आप करेंगे नीचे के चार पूरी कंपनी करेगी इसको अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है सेवन कि पूरी कंपनी में कोई बड़ा परिवर्तन लेके आना हो कोई नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी हो या अपनी कंपनी को बेचना हो या किसी की कि कंपनी को खरीदना हो या मर्जर करना हो वहां पर यह बहुत काम आता है देखिए इस जो स्ट्रैटेजी है पहला वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल मार्केट के कंपटीशन कंज्यूमर के डिमांड और एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं पूरा का पूरा ये हमारा इवेंट ही बीस चैप्टर का स्ट्रैटेजी के ऊपर हो रहा है तो अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन पर जब जाते हैं असेसमेंट करते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है हम क्या अचीव करेंगे हम कॉम्पिटिशन से कैसे डील करेंगे और कंज्यूमर की डिमांड के साथ कैसे डील करेंगे ये था स्ट्रैटेजी दूसरा होता है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब खांचा पूरा ढांचा पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा है याद रखिए आगे चल के आपको बिजनेस तो बड़ा करना है ना ढांचे के बारे में समझना पड़ेगा ढांचे का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कैसी रहेगी हैरारकी कैसी होगी कितने वीपी होंगे कितने जनरल मैनेजर होंगे कितने मैनेजर होंगे कितने एग्जीक्यूटिव होंगे कौन सीईओ होगा कौन सीपीओ होगा कौन सीएफओ होगा कौन सीटीओ होगा सीटीओ मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर चीफ सेल्स ऑफिसर चीफ फाइनेंस ऑफिसर चीफ मार्केटिंग ऑफिसर स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर जिसमें आप डिपार्टमेंट का डिविजन और हैरार प्लान करते हो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन उसके बाद बनता है इससे आप उसमें यह भी देखते हो कि डिसीजन मेकिंग टॉप पे रहने वाली है कि नीचे तक मिलके ले सकते हैं सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है इंफोसिस का स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर बनाया आई इंडस्ट्री बिजनेस यूनिट बनाया उन्होंने इन्फोसिस ने आ? जैसे एफ के लिए एक यूनिट बना लिया इन्फोसिस ने फार्मा के लिए एक यूनिट बनाया है ये पूरी की पूरी टीम इसका वीपी इसका मैनेजर इसका जनरल मैनेजर सब केवल फार्मा के लिए है ये केवल रिटेल के लिए है है ये केवल 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 आईटी के आई के लिए ये के इंडस्ट्री के लिए लेदर इंडस्ट्री कंसल्टिंग इंडस्ट्री के लिए है ऐसे ही इंफोसिस ने अपना बनाया सिस्टम क्या होता है तीसरा एस सिस्टम मतलब मेथड प्रोसीजर प्रोसेस सिस्टम मतलब डेली एक्टिविटी कैसे होने वाली है सिस्टम का मतलब प्रोसेस प्रोसीजर रूटीन मेजरमेंट ये कैसे होगा क्या प्रोसेस प्रोसीजर रूटीन फॉलो किया जाएगा कैसे कंट्रोल किया जाएगा काम को आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होगा सीआरएम से बातें कैसे पता चलेंगी आपस में ई कैसे किए जाएंगे आपस में स्ट्रक्चर था बिल्डिंग सिस्टम है आपस में लोग कैसे जुड़ेंगे मिलके कैसे काम करेंगे इसके बाद आते हैं सॉफ्ट एलिमेंट जो नीचे के चार थे उसमें शेड वैल्यू यानी कि कंपनी का कल्चर कैसा है कंपनी की वैल्यूज कैसी हैं जो शेयर्ड वैल्यू है जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है जो कंपनी के बिलीव्स हैं यानी कि कंपनी में लोग किस बात पर विश्वास रखते हैं कैसा कल्चर बिलीफ रखते हैं जैसे इंफोसिस ने बनाया सी लाइफ सी लाइफ का मतलब क्या है सी मतलब क्लाइंट फोकस रहेगी पूरी की पूरी इंफोसिस लीडरशिप अपने एग्जाम्पल के द्वारा स्टैब्लिश करेगी इंटेग्रिटी मतलब ईमानदार रहेगी फेयरनेस मतलब सबके प्रति बराबर रहना चाहते हैं वो फेयर रहना चाहते हैं और एक्सेलेंस मतलब अपने काम को और अच्छा करते चले जाएंगे ये इंफोसिस की शेयर्ड वैल्यूज है आता हूँ पांचवे पे स्टाइल स्टाइल मतलब लीडरशिप का स्टाइल कैसा रहने वाला अप्रोच क्या लीडरशिप का एंप्लॉई का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में होगा कि नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप इफेक्टिवनेस कैसी है कैसा स्टाइल है उनका आपस में लोग कॉम्पिटेटिव हैं कि कोऑपरेटिव कोलाबरेटिव हैं आप अथॉरिटी स्टाइल है कोलेबरेशन का स्टाइल है कैसा स्टाइल है छठा है स्टाफ देखिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन आप असेसमेंट कर रहे हैं सेवन एस है स्टाफ का मतलब है राइट पर्सन एट राइट पोजिशन मैन पावर प्लानिंग कितनी मैन पावर चाहिए आपको कहां पर सी पोजिशन भरनी है आपको क्या हम लोग कितनी पोजिशन अवेलेबल है कितनी टीम स्पेशलाइज है उसको बोलते हैं स्टाफ सातवा है स्किल का मतलब स्टाफ तो आ गया लेकिन स्किल है कि नहीं है ट्रेंड है कि नहीं है करंट स्किल सेट कैसा है ट्रेनिंग डेवलपमेंट किस क्यों करनी है किस चीज पे करनी है कोचिंग मेंटरिंग किस चीज पे करनी है कौन से स्किल की कमी है कौन सा गैप भरना है एबिलिटी है कि नहीं उनके पास काम करने की ये तो सेवन एस फॉर्मल एजुकेशन आपको जीवन यापन करने योग्य बनाती है पर सेल्फ लर्निंग आपको सफल बनाती है इसीलिए हम लोग इंडिया रिवाइवल मिशन पर लगे वर्ल्ड एम वीक तीस जून तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सात दिन पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है हमारा सेलिब्रेट करने का तरीका क्या है आपको हम दस कोर्सेज फ्री दे रहे हैं एक के साथ बोर्ड लाइन नंबर आपके सामने है इसको सेव करके रखिए फोन करके बाद जरूर करिएगा अगर जीवन में करना चाहते हैं कुछ खास तो आज सुन लो मेरी बात याद है ना नो रिपीट अगली स्ट्रैटेजी छा जाओगे को ध्वस्त कर दोगे मार्केट के लीडर बन जाओगे कोरोना की ऐसी की तैसी हो जाएगी क्या होता है मार्केट बैरियर पर उससे पहले मैं बता दूं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए आए हैं व्यापार में मोनोपली कैसे क्रिएट करें मैंने इसमें एक वीडियो डाला हुआ है और ऐसे कई वीडियो और भी डालता रहता हूं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहले एंट्री बैरियर समझते हैं अपनी कंपनी को ऐसा बना लो कि कोई और घुसी ना पाए बीच में इतनी ताकतवर बना लो कि कंपटीशन घुस ना पाए कैसे करें कई उपाय हैं या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना लो माइक्रोसॉफ्ट की तरह दूसरा कोई है ही नहीं उसके अलावा पेटेंट एंड लाइसेंसिंग कर लो फार्मा में बड़ा फर्क पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दूर दूर तक पहुंच जाओ जैसे यूनिलीवर पेप्सी पूरे गांव गांव तक पहुंच चुके हैं या फिर एक्सक्लूसिव राइट right ले लो जैसे फ्लिपकार्ट और शॉमी के साथ में कर लेते हैं ऑनलाइन वो या टेक्नोलॉजी जबरदस्त कर लो जैसे ओयो लेकर के आया क्रिप्टॉन की टेक्नोलॉजी या फिर पैसा बहुत इन्वेस्ट कर दो जैसे जियो ने किया और बाद में पैसा वापस आता जाता है जियो बाद में लेकर के आया पैसा वापस अब इस समय बाकी इन्वेस्टर ला करके या इतना ज्यादा माल खरीद लो इकोनॉमी लो स्केल कर लो बिग बाजार की तरह कर लो हुँ? या फिर क्यों तो और कोई बिग बाजार का कॉम्पिटिशन ही नहीं पाता या ब्रांड इक्विटी ब्रांड वैल्यू जैसे एम सी हो गया फेविकॉल हो गया या कस्टमर सर्विस अच्छी दे दो डोमिनोज की तरह आधे घंटे में पिज्जा पहुंच जाएगा कोई और सोच नहीं पाता या कस्टमर को इतना लॉयल बना लो एप्पल की तरह इतना महंगा मोबाइल भी उतना बढ़िया नहीं है जितना महंगा है फिर भी बेचता जा रहा है या इनोवेशन इतना ले आओ यूनिलीवर की तरह कोई घुस नहीं पाता यूनिलीवर एफ का नंबर वन है या नेशनल सेंटिमेंट ले आओ हर बात पर पतंजलि बाबा रामदेव जी आचार्य बालकृष्ण जी हर चीज़ पे स्वदेशी स्वदेशी की बात करते हैं या सब्सक्राइबर बहुत बढ़ा लो इंडिया टुडे की तरह कोई और पोलिटिकल न्यूज मैगजी चली नहीं सकती या प्रोडक्ट में इतना डिफ्रेंसिएशन आओ क्वालिटी के अंदर एप्पल प्राइस के अंदर शाओमी कोई और घुसी नहीं पाए दोनों में या फिर ट्रस्ट बहुत बिल्ड कर लो या एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कर लो मेडोनल्ड्स की तरह कोई और मैकडोनल्ड जितनी तेल बर्गर बना ही नहीं पाता या क्वालिटी रिलायबिलिटी लिया टोटा इनोवा की तरह कोई और इतना तो ज्यादा रिलायबल है ही नहीं आज सत्रह अठारह लाख की गाड़ी जो टैक्सी के लिए यूज होती है बड़ी एस इनोवा की जगह कोई और घुस ही नहीं सका या फिर कस्टमर को इतनी कन्वीनियंस दे दो इतनी कन्वीनियंस दे दो वो आपको छोड़ ही ना पाए जैसे आई का कस्टमर एंड्रॉइड पे और एंड्रॉइड का आईओएस पे मूव ही नहीं कर पाता कन्वीनियंट महसूस करता है या पर्सनालिटी का ब्रांड इतना बड़ा बना लो कोई और घुस ना पाए जैसे मैंने मेरा भी एक पर्सनालिटी का ब्रांड बहुत स्ट्रांग है बिजनेस ट्रेनिंग में सीरियस कंटेंट जेनुअन कंटेंट ऐसा करके हिलने वाली बात नहीं करना है जेनुअन कॉन्टेंट देते हैं हम लोग है डॉक्टर विवेक बिंद्रा कोई आसानी से घुस नहीं पाता है ये सारे एंट्री बैरियर अगर आपने बना लिए कोई और घुस नहीं पाएगा लेकिन सबसे बड़ा बैरियर आपकी सफलता में आपका फियर द ग्रेटेस्ट बैरियर टू तो सक्सेस इज द फियर ऑफ फेलियर ऐसी होते हैं एग्जिट बैरियर ऐसा क्या करें कि देखिए कई बिजनेस भी होते हैं आपको समझने पड़ेंगे कि आप उस बिजनेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्यों नहीं निकल पाते है? या तो आप मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाए या कंपनी में प्रॉफिट नहीं निकाल पाए उसके बाद आप बाहर निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पाए कब नहीं निकल पाए या जब बड़ा स्पेशलाइज्ड एसेट होता है उसको वापस बेचना बड़ा मुश्किल होता है मार्केट में हुँ? जैसे या फिर कहीं बड़ी टैक्स ब्रेक या ग्रांट मिल जाते हैं सरकार से अगर आपने वो पूरा नहीं किया तो निकलते वक्त पेनल्टी लग जाती है या कहीं इंडस्ट्रियल कंपनी होती है उनकी क्लीनअप कॉस्ट बड़ी महंगी पड़ती है वो अपने मशीनें जब बेचने जाते हैं तो उनको कुछ पैसा वापस मिलता ही नहीं है एयरलाइंस में भी ऐसा बड़ा होता है ये आप सोचिए इसलिए ताकि बिजनेस में गलत ना घुस जाएं अगर अपने उसने बड़ा कर्जा ले लिया हवाई जहाज खरीदने के लिए कर्जा लिया हवाई जहाज खरीदने के लिए और उसके बाद अब अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो नहीं निकल पाता क्योंकि लो स्क्रैप वैल्यू है और प्लेन की अगर एज ज्यादा हो गई है तो अपना कर्जा बिल्कुल नहीं चुका पाएगा अब कर्जा नहीं चुका पाएगा क्यों, क्यों? क्योंकि उसको नया कस्टमर नहीं मिल रहा अब नया कस्टमर नहीं मिल रहा कर्जा नहीं चुका चुका पाएगा तो बेचारा एग्जिट नहीं कर पाता तो उसको किसी कॉम्पिटिटर के पास जाकर औने पौने दाम में अपने एयरक्राफ्ट बेचने पड़ते हैं इसी चक्कर में एयरलाइंस कंपनी जल्दी खत्म हो जाती है एग्जिट बैरियर को समझो जबरदस्ती बिजनेस से मत घुसो इन स्ट्रैटेजीज को पहचानो कभी कभार टैरिफ कोटा और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप छोड़ नहीं पाते हैं

वो समझो आप स्विचिंग बैरियर आपका कस्टमर ना छोड़े एक होता है पनिशिंग स्विचिंग बैरियर कि अगर आपका कस्टमर छोड़ के जाए बेचारे को पेनल्टी देनी पड़ जाए लाइफ इंश्योरेंस वाले इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं अगर आप लाइफ इंश्योरेंस वालों को ना अचानक प्रीमियम देना बंद कर दे तीन चार साल के बाद तो बड़ी पेनल्टी लगा लेते हैं वो आपको कई बार पैसा वापस नहीं करते करते हैं तो बहुत काट के करते हैं या फिर आप एग्जिट फीस ऐसी लगा दो कि उसका बेचारे का एग्जिट हो ही ना पाए छोड़ ही ना पाए छोड़ते वक्त उसको इतना खर्चा लग जाए कि आपको छोड़ नहीं पाएगा कॉम्प्लिकेटेड कर दो छोड़ना उसके लिए कि छोड़ते वक्त इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाए डर के मारे छोड़ ही ना पाए आदमी कई बार आप रिवॉर्ड दे सकते हो कि तू स्विच करेगा स्विच Switch मतलब स्विचिंग बैरियर का मतलब मेरे को छोड़ के किसी और को स्विच कर जाए मुझे छोड़ के किसी और कस्टमर के पास चला जाए उसको ऐसे रिवॉर्ड दे दो जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट देती थी हेडलाइंस जैसे लॉयल्टी कार्ड बना दो जैसे कुछ पर्सनलाइज या कस्टमाइज करके माल बेच दो बेचारा दूसरे के पास जा ही ना पाए है ना इनको बोलते हैं स्विचिंग बैरियर कस्टमर स्विच करते वक्त बेचारा सोचता है कहां लफड़े में घुसे सी आर में एक सीआरएम पूरे एम्प्लॉय को सबको सिखा दिया आपने सिखा दिया एम्प्लॉज को अब दूसरा सीआरएम लाना तो बेचारा बहुत टेंशन होता है यार सबको दोबारा कहां सिखाएंगे क्या करेंगे मोबाइल मुझाएं फोन की पोर्टेबिलिटी होती है आप एयरटेल वालों को फोन करके देखो भाई ये एयरटेल काट मेरा कनेक्शन मैं जियो ले रहा हूं इसी नंबर पे मैं जियो में पोर्ट कर रहा हूं तभी वो आपको बोलेगा मैं आपको सर सौ जी का डेटा फ्री दे रहा हूं दो महीने का बिल माफ कर रहा हूं मत जाओ मत जाओ आपको रिवॉर्ड दे देगा आप छोड़ के नहीं जाओगे है कि नहीं ऐसे ही एक और आपको समझना एग्जिट फीस अगर लगा दी छोड़ के चला जाए तो वो नहीं जाएगा सर्च कॉस्ट उसको बेचारे को नया ऑल्टरनेट ढूंढना उसमें उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो भी वो छोड़ के नहीं जाएगा सर्च कॉस्ट बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा अगर एफर्ट लग रहा है कि दूसरा ढूंढ दू, ढूंढ के लाऊ ऑर्गेनाइजेशन या उसका टेक्निकल एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है टेक्नोलॉजी का एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है तो भी वो छोड़ के नहीं जाएगा या उसको सीखने का एफर्ट लग रहा है लर्निंग कॉस्ट कि अगर कोई नया प्रोडक्ट लाऊंगा उसको सीखने में बहुत दिन लग जाएगा चलो इसी से काम चला लेते हैं या फिर इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भाई ये वाली मशीनें बेकार हो जाएंगी नई मशीनें खरीदनी है तो बहुत नया पैसा लग जाएगा इसीलिए चलो इसी से काम चला लो या फिर स्टार्टअप कॉस्ट उसको शुरू करते वक्त आपको बहुत मेहनत लग जाती है या फिर फाइनेंशियल रिस्क आपको कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है अगर लगता है यार इसमें बहुत ज्यादा पैसा ना लग जाए बाद में आगे चल के चलेगा नहीं चलेगा टाइम एंड एफर्ट जो मैंने आपको समझाया है, ये है, सारे एग्जिट बैरियर्स हैं आप या फिर इमोशनल साइकोलॉजिकल रिस्क भी होता है कि मैं छोड़ के जाऊंगा दिल से जुड़ाव हो गया है आ, या हमारे आम का पेड़ है इसके नहीं झूला झूलते थे होता नहीं कैसा ऐसा सोशल रिस्क भी होता कभी कभार अरे समाज में बेचती ना हो जाए भैया क्या कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट ने यही मॉडल अपनाया माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दिया कि उसका ऑल्टरनेटिव है तो सही मार्केट में लेकिन लोगों को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है माइक्रोसॉफ्ट की जगह क्या यूज़ करूँ और जो अगर ढूंढ भी लिया तो उसको सीखने की दिक्कत है फिर लाइन एक्स वगैरह है ना उसको सीखा तो उसमें दिक्कत फिर उसके लिए इक्विपमेंट अलग चाहिए लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट आ गई फिर आपको इंस्टॉलेशन कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट आ गई आदमी कहता है भाई एक हज़ार डॉलर फालतू खर्च कर दूं मैं माइक्रोसॉफ्ट लाइन पर जाने के लिए इससे अच्छा माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही कंटिन्यू करो एप्पल वाले भी यही करते हैं उन्होंने अपना पूरा इंटीग्रेशन कर दिया एप्पल का लैपटॉप एप्पल के मोबाइल से कनेक्ट होता है और उसी के बाकी सारे आइटम से कनेक्ट होता है उसका कान में लगाने वाला से कनेक्ट होता है तो उससे चक्कर <laughs> एप्पल आदमी छोड़ नहीं पाता है और अच्छा कोको कोला ने ऐसा बहुत किया कोका कोला ने ब्रांड लॉयल्टी इतनी बिल्ड कर दी इतने सालों में कस्टमर नहीं छोड़ पाया कोका कोला पेटेंटेड प्रोडक्ट है पीछे से जो सोल्यूशन आ रहा है वो कोई और नहीं बना पा रहा इसलिए नहीं चेंज कर पा रहा वर्टिकल इंटीग्रेशन कर दिया सोल्यूशन पीछे से खुद का ही है आप सप्लायर नहीं ढूंढ पाओगे इसलिए आप कोक की बराबरी नहीं कर पा रहे सबसे पहले आया था मार्केट में इतनी जबरदस्त ब्रांड इक्विटी है इतनी लॉन्जिविटी है तो कस्टमर कोका कोला में विश्वास करता कोई और नहीं पीता है ज्योग्राफिकल बैरियर उसने इतना बड़ा बना दिया कि भाई जोग्राफिकल बैरियर क्या है कि कोका कोला हर जगह प्रेजेंट है हर देश हर गांव हर शहर हर मोहल्ले में प्रेजेंट है आप नहीं पहुंच पाते आसानी से इसलिए आप नहीं आ पा रहे इकोनमीज ऑफ स्केल हजारों लाखों बोतलें कोक की रोज बन रही हैं

कोरोना के डर से मत हो आहाद आज करूंगा सिर्फ आपके फायदे की बात याद रखना नो रिपीट टेलीकास्ट खाली यूट्यूब से थोड़ी देर बाद ये वीडियो हट जाएगा पूरा वीडियो देखिएगा कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और आज के युग का एक बड़ा गुरु है ये यूट्यूब तो यूट्यूब पर आप आए हैं इस वीडियो को तो शेयर कर दो क्योंकि जितने लोग देख सकेंगे देख पाएंगे इसके बाद तो ये खत्म हो जाएगा अगला मेरा स्ट्रैटेजी है मैपिंग स्ट्रैटेजिक रिस्क रिस्क मैपिंग और मिटिगेटिंग रिस्क थोड़ा रिस्क को समझना पड़ेगा कुछ रिस्क होते हैं जो अर्जेंट इंपोर्टेंट होते हैं और कुछ रिस्क होते हैं जो नॉट अर्जेंट नॉट इंपोर्टेंट होते हैं अलग अलग प्रकार के रिस्क होते हैं जैसे जैसे बिजनेस में बढ़ेंगे अलग, अलग अलग रिस्क को समझना जरूरी है ये अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं कभी कभार देनदारी का रिस्क होता है लाइबिलिटी रिस्क डिजाइन का रिस्क होता है जो आपने बनाया है कंपटीशन का रिस्क होता है बाहर से कोई ना आ जाए या फिर ऑपरेशन स्पीड का रिस्क होता है ऑपरेशन तो आपके ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे कंप्लायंस नियम कानूनों के भी रिस्क होते हैं मार्केटिंग का रिस्क होता है आपकी जो मार्केटिंग है वो ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर दिया कस्टमर नहीं जुड़ पा रहा है प्रोजेक्ट का भी रिस्क होता है कि जो प्रोजेक्ट आपने लिया है इसके लिए जो पैसा तय किया है कहीं उससे ज़्यादा पैसा ना खर्च हो जाए जो कस्टमर ने देना था सौ रुपया आपने डिलीवर करना है उसमें एक सौ दस रुपया लग गया तो उल्टा दस रुपया पल्ले से भी गया टाइम भी गया आपका इनोवेशन का भी रिस्क होता है जो आप बनाने में समय लगा दिए वो ठीक बना कि नहीं बना सिक्योरिटी का रिस्क होता है साइबर सिक्योरिटी फिजिकल सिक्योरिटी डिजिटल सिक्योरिटी इकोनॉमिक रिस्क होता है आपका या प्रोक्योरमेंट जो सामान खरीद रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट है उसका भी रिस्क होता है परचेज डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा कहीं बीच में अपनी पत्ती तो नहीं रख रहा है पैसा तो नहीं कमा रहा है लिक्विडिटी का रिस्क होता है कि आपके पास कैश बचा है कि नहीं बचा इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क होता है इतना बड़ा पैसा लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर पर कि नहीं लगाए किराए पर ले लें मार्केट का रिस्क होता है मार्केट कैसे बिहेव कर रही है कोई नई कंपनी एक्वायर करने जा रहे हैं मर्जर एंड मर्जरेशन उसका रिस्क होता है एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हैं डॉलर के साथ इंडियन रूपी फ्लक्चुएट कर गया आपकी अपनी हेल्थ का रिस्क है वो खुद का रिस्क है मैक्रो का रिस्क है यानी कि मैक्रो मतलब यहां क्या होगा कोरोना मैक्रो मतलब आसपास का एनवायरमेंट उसका भी रिस्क है इन्फ्लेशन का रिस्क होता है पर क्या कहते हैं कि यू ही नहीं होता संकटों का नाश कोई हल तो जरूर है इंसान के आसपास आपको प्लान करना है अपने रिस्क को दो मैट्रिक्स बताऊंगा एक प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट मैट्रिक्स और एक कंट्रोल इंपैक्ट मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट क्या होता है भाई कौन से रिस्क पे ध्यान लगाना है प्रायोरिटी करनी है अब बिजनेस पे ध्यान लगाएं या खाली रिस्क ही मैनेज करते रह जाए तो किस पे ज्यादा ध्यान लगाना है ऐसे रिस्क पे जिसका इंपैक्ट बड़ा है मेरी बात समझिए ऐसा रिस्क जिस जो अगर आ गया आपके ऊपर तो बड़ा नुकसान कर जाएगा और होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है तो अगर इंपैक्ट भी ज्यादा है यानी कि नुकसान भी ज्यादा है और संभावना भी ज्यादा है तो वो बहुत डेंजर है भैया वहां पे डेंजर है तो आप जैसे कोई सीनियर लीडर क्रिटिकल डिपार्टमेंट छोड़ कर चला जाए इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है और होने के चांसेस भी होते हैं लिक्विडिटी है कैश है पी है प्रॉफिटेबिलिटी है ये सब का इंपैक्ट भी और संभावना भी दोनों होती है इस पर बहुत समय लगाना है तो ढूंढो वो कौन कौन से रिस्क हैं जो हो भी सकते हैं चांसेस भी बहुत हैं हैं आपकी कंपनी में यार ये गड़बड़ होने के मॉनिटर कर, तो तो कर लो बस काफी है पर कुछ रिस्क ऐसे है जिसने ना असर होना है और ना संभावना बहुत ज्यादा है जैसे यूएफओ अटैक अब यूएफओ कहां से आएगा जुपिटर ग्रह से कोई साबू चाचा चौधरी तो आ नहीं रहे हैं नहीं जी तो उन ऐसी बातों को इग्नोर करो कई न्यूज़ चैनल अपनी कहानी सुनाते हैं कि हाँ जी इस साल को धरती ख़त्म हो जाएगी इनको इग्नोर करो मतलब संभावना नहीं है इनकी होने की एक और रिस्क है जैसे कि आ, असर तो ज़्यादा नहीं होता है पर होता रोज़ ही है इस तरह के रिस्क रोज ही आते हैं जैसे छोटे मोटे कोई आपके गॉसिपर्स हैं आपके क्रिटिक्स हैं आपकी बुराई करने वाले लोग हैं अगर करते हैं लोग तेरी जम के बुराई समझ लेना तूने है तबाही मचाई ऐसे ही आगे चलते हैं एक होता है कंट्रोल इंपैक्ट मैट्रिक्स कंट्रोल इंपैक्ट का मतलब क्या हुआ देखो अगर रिस्क का असर बहुत आने वाला है पर आप कंट्रोल भी पूरा कर लोगे तो उसको मैनेज कर लो क्योंकि आपके कंट्रोल में है पर दिक्कत है जब असर बहुत ज्यादा है पर कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं है उसके लिए कोई ना कोई कंसल्टेंट लेकर के आओ देखो लर्निंग एंड डेवलपमेंट चाहिए आपको प्लानिंग प्रिपरेशन प्रिवेंशन चाहिए आपको क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके बस की नहीं है उसको हैंडल करना कुछ रिस्क ऐसे होते हैं ना तो उसका असर आना है और ना ही आपकी ना। है, कोई बात नहीं एक्सेप्ट कर लो छोटे छोटे रिस्क है और कुछ होते हैं कि जो भाई जिसका असर ज्यादा नहीं है लेकिन आप कंट्रोल पूरा कर सकते हो उसको वो पहले से ही कंट्रोल उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको समझना है ये तीन चीजों को लिखना है अपने पास में प्रोबेबिलिटी कितनी है इस रिस्क के आने की मैंने आपको एक रिस्क की लिस्ट दी थी ना आपको कि क्या रिस्क की दी थी इनोवेशन प्रोजेक्ट मार्केटिंग डिजाइन कॉम्पिटेटिव सिक्योरिटी बहुत सारे तो देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है ये रिस्क आन होने के चांसेस कितने हैं इसका असर कितना है और आप कंट्रोल कितना कर सकते हो बस तीन चीज़ें समझनी है आपको उसके हिसाब से अपना समय लगाना है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटी बनानी है कि इसकी संभावना है प्रोबेबिलिटी कितनी है इस रिस्क की इसका असर कितना होगा नुकसान कितना होगा आप इसे कंट्रोल कितना कर सकते हो कंट्रोल करने के लिए अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखने के लिए निकल जाओ अगर ये तीन चीज़ें कर ली तो आप रिस्क कंट्रोल कर लेंगे सारे साथ काम के सबका अपना मोल जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल ढूंढो इस संकट में कौन आपका साथ दे सकता है निर्देश कक्षा के बाहर समाप्त हो जाते हैं लेकिन शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है इसी शिक्षा को बढ़ाइए चैनल पर लगातार आते रहिए कई दे रहे हैं हम लोग और वर्ल्ड वीक के बारे में मैं कई बार बता चुका दिन बचे हैं दस फ्री कोर्सेज लेने के लिए बोर्ड लाइन नंबर पर चेक करिएगा बिजनेस का ज्ञान बना देगा विद्वान टिके रहो मेरे साथ नो रिपीट टेलीकास्ट अगली स्ट्रैटी अगली मेरी स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटी ट्रैप स्ट्रैटी का जाल स्ट्रैटेजी बनाते बनाते स्ट्रैटी में फंस सकता है आदमी पंद्रह प्रकार की वो गलतियां आपको बताऊंगा खतरनाक होता है YouTube पे मेरे आते रहिए फ्री वीडियोस हमेशा देखते रहिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए है, no हैं शेयर कर दीजिए इसलिए स्ट्रेटेजी कैन गारंटी सस्टेनेबल कॉम्परेटिव एडवांटेज फॉर एवर एक होता है स्ट्रेटी ट्रैप पहला एंकरिंग ट्रैप एंकरिंग का मतलब जो पहली बात सुनी थी जो पहला एंकर जो जहां पहली रेफरेंस पॉइंट से सब चीज़ों को चेक करना जो पहली खबर सुनी थी उसी खबर के मुताबिक बाकी सारी चीज़ों को ही इवेल्यूएट करना गड़बड़ हो जाता है इससे सारी इंफॉर्मेशन लो नहीं तो फंस जाएंगे दूसरा स्टेटस को ट्रैप जैसा चल रहा है ऐसे ही चलते रहना चाहिए अभी सब ठीक है कोडाक ने यही गलती करी थी फिल्म बेस्ड कैमरा बनाते थे और डिजिटल कैमरा आने लगे थे उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया हुआ था इसके लिए और इसी चक्कर में गड़बड़ हो गई वो जो चल रहा है उसी को चलते रहने दिया स्टेटस को इसे मेंटेन रहने दो अगली है संक ट्रैप यह भी कोटा के एग्जांपल से मिलती जुलती है मैं इतना पैसा लगा चुका हूं यार अब थोड़ी इसको बदलूंगा तो पुरानी स्ट्रेटजी पर संख कॉस्ट जो पैसा लग गया है उसके चक्कर में बेचारे आपको पास्ट मिस्टेक को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं उसी को ड्रैक देखिए इफ इट स्पेंड इट स्पेंड पैसा लगा दिया लगा दिया है अब पीछे के बारे में चिंता मत करो आगे की चिंता करो चौथा गलती करते हैं कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप मेरा जो विश्वास है उसको जो जो बातें कंफर्म कर रही हैं मेरे हिसाब से वही बातें सही हैं अब कई लोग हैं वो कहते हैं कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं ये केवल एक प्रोपेगेंडा है अब किसी ने भी बोला प्रोपेगेंडा देखा मैं कह रहा था ना उसने भी कहा देखा मैंने कहा था ना ये कोई यूट्यूब चैनल वाला भी बोल रहा है कन्फर्मिंग एविडेंस अगर आपकी बात को किसी ने कन्फर्म कर दिया अब आपको लगता है वो सच है आप उसी को ढूंढते हैं आपकी बात को कन्फर्म करता है

प्रॉपर्टियाँ तो बिखे चली जा रही है मार्केट में है ही नहीं भाई साहब अच्छी प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है अब बेचारा उस चक्कर में वो खुद भी मानने लगता है किसी सही इंडस्ट्री में जाता है कुछ और इम्प्रूवमेंट करता है कभी कभार एमएलएम वाले किसी गलत कंपनी में जब फल जाते हैं ज़बरदस्ती उसको बताए जाते हैं नहीं ठीक है बहुत अच्छा लॉकडाउन के बाद हमारे और, और ग्रोथ मिल गई और ग्रोथ मिल गई उसका खुद का इनकम स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट देखो तो कुछ नहीं मिला उसको सो जबरदस्ती फ्रेम ना करें बातों को इसी से मिलता जुलता ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप बिना बात का ओवर कॉन्फिडेंस रहता है लोगों को और हमेशा वो कहता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है उस चक्कर में सेल्फ क्रिटिकल भी होना चाहिए कभी कभार ऐसा नहीं कि है कि केवल आप ही स्मार्ट हैं आप ही कॉन्फिडेंट हैं सातवा प्रूडेंस ट्रैप प्रूडेंस ट्रैप क्या होता है एनालिसिस ऑफ परालिस हर समय एनालिसिस किए जा रहा है एनालिसिस किए जा रहा है छोटे छोटे स्टेप लेकर के देखो छोटे छोटे पायलट वेरिफिकेशन करो रियलिस्टिक रहो रिसेंट इवेंट ट्रैप अभी पीछे कोई घटना हुई हाल ही में उसके चक्कर में उनको लगता है सब कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसे ही कुछ अभी पीछे किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको लगता है हर एक को हो जाएगा अरे नहीं भाई पीछे कोई बीमारी फैल गई लगता है अब जिंदगी भर फैलती रहेगी नहीं भाई रिसेंट इवेंट के ट्रैप में मत जाओ एक और डू इट ऑल ट्रैप मैं सब कुछ कर लूंगा मैं सारे काम कर लूंगा अरे सारे काम आपकी प्रायोरिटी नहीं होती मेरी कंपनी में सबसे अच्छी बात यह है मेरे पर कितने लोग आते हैं अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना देंगे आपको हम आप हमारे बोर्ड पे आ जाओ आप ये बिजनेस शुरू कर दो बिजनेस शुरू कर दो मैं करता ही नहीं मैं एक ही काम कर रहा हूं बड़ा बिजनेस डॉट कॉम आई डोंट गेट into doing डूइंग I आई to बी वेरी फोकस्ड ऐसे ये सेंटर स्टेज ट्रैप सबसे बड़े कॉम्पिटिशन के खिलाफ जाकर के लड़ना शुरू कर दिया शुरुआत में अरे भाई ऐसे सबसे एकदम सेंटर स्टेज पर जाने की कोशिश मत करो है ना ऐसे ही चाणक्य ने भी सिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य को जब उनको धनानंद को अटैक करना था तो बोला सीधा धनानंद पर अटैक मत करो परिधि से अटैक करो अमूल के आ, हमारे चेयरमैन ने भी समझाया मैनेजिंग डायरेक्टर ने कि अगर आपको आ, अपनी नई मार्केट बिल्ड करनी है तो मार्केट के बाहर बाहर से एंट्री करो यानी कि किसी शहर के आसपास छोटे गाँव हैं वहाँ से एंट्री करो सीधा बिल्कुल मेन मार्केट में जाके कॉम्पिटिशन से मत लड़ो ऐसे ही होता है वाटर लूट ट्रैप ये वाटर लूट ट्रैप क्या होता है सरपंच है लेकिन सीधा प्रधानमंत्री बनने का इलेक्शन लड़ रहा है भाई रुको आराम से चलो हाँ ऐसे ही होता है समथिंग फॉर एवरी वन ट्रैप मैं तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना दूंगा इतने प्रोडक्ट बना दूंगा मैं तो पतंजलि बन गया हूँ जी मैं एक हज़ार प्रोडक्ट बना दूंगा आराम से चलो हाँ इतने सारे भाव बनाओ जहां प्रॉफिटेबिलिटी है वहां शुरू करो एक होता है सर्वाइवरशिप बायस ट्रैप अरे इसको मिल गया दस बिलियन डॉलर इसको मिल गया दो बिलियन डॉलर इसको मिल गया एक बिलियन डॉलर चलो मुझको भी मिल जाएगा अरे भाई वो वो पाँच को मिला है उसके पहले पचास हजार थे वो फेल हुए थे तब उनमें से वो पांच को मिला है इतना आसान नहीं है ये सर्वाइव कर गया मतलब ये नहीं कि सारे सर्वाइव कर जाएंगे हर आदमी नहीं सर्वाइव करता सर्वाइवरशिप बायस एक होता है प्लेइंग माई फेवरेट ट्रैप वो क्या है कि जो आपका फेवरेट है आपको लगता है वही ठीक रहने वाला है विनिंग टू मच ट्रैप विनिंग टू मच मतलब आपको पुरानी पास्ट सक्सेस विल नॉट गारंटी यू फ्यूचर सक्सेस हा? कोई फीडबैक देता है उसको सुनते नहीं आपको लगता है बिकॉज यू गॉड अ बिलीव दैट यू हैव सक्सीडेड इट इज ऑल्सो अ ट्रैप शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन इसका फल बहुत मीठा है बने रहो मेरे साथ एमएसएमई वीक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है हमारे लिए हमने बहुत मेहनत किया दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम हमने हिंदी में पूरा बनाया रियल कॉन्टेंट देते हैं जेनवन कॉन्टेंट कोई गैस नहीं है रियल कॉन्टेंट देते हैं इस कॉन्टेंट का पूरा फायदा उठाइए और भूख प्यास सस्सू पॉटी सब रुक सकते हैं लेकिन मैंने रुकने वाला याद रखना एक ही बात नो रिपीट कास्ट यूट्यूब से वीडियो हटा लिया जाएगा शेयर कर लो अभी अपने परिवार में सबको दिखा दो पिछली बार हमने अलग अलग कोर्स पर दिया इस बार हमने यूट्यूब पर दिया पूरा फायदा उठाइए अगली मेरी स्ट्रैटेजी है कॉम्पिटेटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी कॉम्पिटेटिव मतलब आपस में भिड़ना कोलैबोरेटिव मतलब आपस में जुड़ना ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी क्या आप दोनों चीजें साथ में ले सकते हैं आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूं अगर आपको मेरे YouTube वीडियो से फायदा हुआ हो तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं एक तो कमेंट बॉक्स में बताओ अगर फायदा हुआ है दूसरा आप अपने फायदे का वीडियो मुझको बना करके दीजिए अपने मोबाइल से शूट करके आपको क्या फायदा हुआ और आपकी स्टोरी हम अपने सारे सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे नीचे कॉमेंट बॉक्स में हम आपको ई एड्रेस देंगे वहां पर आप भेज सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए कॉमेंट बॉक्स पर आइएगा सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है कोलाबरेशन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे चलते हैं इस बात को समझते हैं कॉम्पिटिशन कोलाबरेशन हमेशा से चलता आ रहा है जब भेड़िया हिरण का शिकार करता है तो भेड़िए मिल करके आपस में कोलैबोरेट करके हिरण का शिकार करते हैं पर जब शिकार कर लेते हैं तो फिर आपस में लड़ने लग जाते हैं कौन उसको पहले खाएगा हिरण भी जब शेर से बचने का प्रयास करते हैं तो आपस में कोलैबोरेट करके झुंड में भागते हैं लेकिन बचने के लिए खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से कंपीट करते हैं कि मैं सबसे तेज भाग के आगे रहूं क्योंकि हिरण जाएगा पीछे वाला ही उड़ेगा भगवान राम और रावण के समय में भी चलता था भगवान राम ने कोलैबोरेशन की भावना रखी अपने भाइयों से कंपीट नहीं करा लंका जब उसको लंका चाहता हूं क्षमा जब अयोध्या से निकलना पड़ा तो अपने भाइयों को साम्राज्य देखे गए लेकिन लंका में रावण जब उसको आ, उसने कुबेर को बाहर निकाल दिया उसमें कंपटीशन की भावना ज्यादा थी पांडवों को भी देखे तो उन्होंने सारे भाइयों ने मिलकर कोलैबोरेट करके ही कौरवों से लड़ाई की थी युद्ध किया था उन्होंने अपने साम्राज्य को भी आपस में शेयर किया यहाँ तक कि अपने धर्म पत्नी को भी आपस में शेयर किया दोनों चीजें शुरू से चलती आ रही हैं कई लोग कोलैबोरेशन को अच्छा मानते हैं कुछ बुरा कुछ उसको एक महिला की तरह स्त्री की तरह मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बेकार है कमजोर है और इसको एक सेफ्टी वैल्व मानते हैं लड़ेंगे तो अकेले अपने दम पे लड़ेंगे दोनों के फायदे नुकसान है देखिए कंपटीशन में कमजोर को उखाड़ के फेंक दिया जाता है पर कोलाबरेशन में कमजोर भी साथ में आकर के जुड़ जाता है और उसको भी फायदा मिलता है कंपटीशन में कोई इनसिक्योर होता है कोई सिक्योर होता है पर कोलैबोरेशन में सब के सब मिलकर जुड़ते हैं कंपटीशन में थोड़ी एडिक्शन की भावना रहती है मैं फर्स्ट आऊंगा पर कोलैबोरेशन में थोड़ी कंफर्ट की भावना रहती है हम सब मिलकर तो चल ही रहे हैं ठीक है आराम से चलने दो कॉम्पिटिशन में आपकी स्पीड बढ़ती है इट मेक्स यू फास्टर पर कोलैबोरेशन में इट मेक्स यू बेटर जो आपकी कमी है वो दूसरा आके पूरा कर देता है कंपटीशन में कभी कभार रिजेंटमेंट रहता है एक सामने वाले के प्रति गुस्सा रहता है पर कोलैबोरेशन में एक कमराडरी रहती है सामने वाले के प्रति दोस्ती रहती है कंपटीशन के चलते आदमी कभी थोड़ा मलेशियस बिहेवियर कर देता है मतलब जैसे नुकसान कर देता है सामने वाले का और लेकिन यहां कोलैबोरेशन में आदमी थोड़ा ले ली रहता है यार वो तो कर ही रहा है कर लेगा अपने आप दोनों को जोड़ा भी जा सकता है और जोड़ा जा रहा है बहुत लंबे समय से डिलीवरू और ऊबर ने आपस में कोलैबोरेट किया डिलीवरू उन रेस्टोरेंट के साथ जुड़ता था कि जो डिलीवरी नहीं कर पाते थे और ऊबर अपनी गाड़ी देता था जिससे खाने की डिलीवरी हो जाती थी माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल ने भी आपस में कोलैबोरेशन किया माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर और इंटेल का हार्डवेयर अच्छा चला फाइजर और मर्क ने भी आपस में दवाई बनाने के लिए कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पार्टनरशिप किया आप भी कर सकते हैं अपने किसी कॉम्पिटिटर के साथ में को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इवेंट को अगर बराबर का पैसा लगाए मतलब तरीके बहुत हैं पॉडकास्ट इंटरव्यू कर सकते हैं किसी के साथ जो आपकी इंडस्ट्री में हो मैंने भी अभी द रनवीर शो बियर बाइस पे पॉडकास्ट अपना किया अब आजकल कई यूट्यूबर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम हाँ कर देते हैं उनको कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग भी आप कुछ कर सकते हैं जिसमें आप साथ में नॉलेज शेयर करें और रेवेन्यू को भी प्रॉफिट को भी आपस में शेयर कर सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोलेब्रेशन भी होती हैं जैसे कई डॉक्टर्स को देखा है मैंने वो डॉक्टर एक दूसरे को रेफरेंस दे देते हैं इनकी स्पेशलाइजेशन अलग अलग है पर प्रोफेशन सेम है सेम प्रोफेशन में अलग अलग स्पेशलाइजेशन में एक हार्ट का डॉक्टर है एक हड्डियों का डॉक्टर है एक दूसरे को रेफरेंस दे देते हैं बिजनेस मर्जर और जॉइंट वेंचर से भी लोग जुड़ते हैं आपस में जैसे सोनी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार जुड़े थे और उन्होंने एल और फ्लैट स्क्रीन टीवीज बनाए थे और दोनों को उससे बड़ा फायदा हुआ ब्राविया इन्होंने उससे उन दिनों बनाया था ऐसे ही आ, कैसे पूरे इको को जोड़ दें मेरे ही एक कस्टमर है तंश ज्यूल लीडरशिप फनल और ई के पार्टिसिपेंट एवरीप्रीनरशिप के उन्होंने कंपटीशन कौ, कौ, को कोलैबोरेट करा दिया एक प्लेटफॉर्म बना दिया तंश ज्वेल एक ज्वेलरी का प्लेटफॉर्म हो गया इसमें ही रिटेलर भी है होलसेलर भी है मैन्युफैक्चरर भी है आपस में सारे कॉम्पिटेटर इकट्ठे आ गए और दस हजार से ज्यादा इन्होंने प्रोडक्ट्स दिखा दिए दस शहरों में काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने बिजनेस को लोगों को ऑनलाइन प्रमोट करने में मदद करते हैं उनको क्वालिफाइड मिलती हैं और एक दूसरे के साथ काम कर पाते हैं आप भी कर सकते हो चैरिटी में जुड़ सकते हो इकट्ठे या नई मार्केट में एंटर करते हुए कर सकते हो फोर्ड और टोयोटा ने इकट्ठे ऐसे किया था जब वो नई मार्केट में जा रहे थे 2011 की बात थी या फिर आप बल्क परचेजिंग का काम भी कर सकते हो इकट्ठे मान लो आप बनाते हो कटोरी चम्मच सामने वाला बनाता है प्लेट दोनों का स्टील लगना है आपका कटोरी चम्मच में स्टील लगना उसका प्लेट में स्टील लगना है दोनों गए और जिस जो आदमी रॉ मटेरियल स्टील का देता था उससे बल्क में इकट्ठा लिया तो प्राइस कम हो गया आपको बेनिफिट मिला क्रॉस एंडोर्समेंट भी कर सकते हो जब आप किसी कटलरी वाले को बेचने जा रहे हो तो कटोरी चम्मच वाला प्लेट वाले की तारीफ कर दे प्लेट वाला कहीं बेचना जाता तो कटोरी चम्मच की तारीफ कर देइन कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस ऑल्सो या फिर व्हाइट लेबलिंग भी एक तरीका है वाइट लेबलिंग में सामने वाले की ब्रांडिंग आप कर देते हैं लेकिन मना के उसको आप देते हैं हमने भी व्हाइट लेबलिंग बहुत जबरदस्त किया हमारे भी कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं हम उनसे कंपीट नहीं करते उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं आज जीएलए यूनिवर्सिटी है जेनेसिल्स ट्रिनिटी बिजनेस स्कूल है आ, पी एस इनोवेशन है सेज यूनिवर्सिटी है विजन एक इंस्टीट्यूट है और कलिंगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी है आई है परिमल जी का परिमल जी का आई बड़ा चलता हमने उनके साथ कोलाब्रेशन किया तो ये कोलाब्रेशन हमने बहुत कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के साथ किया कि हम अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की पूरी पढ़ाई उनके कॉलेज के साथ में उनके स्टूडेंट को उनके मोबाइल ऐप पर व्हाइट लेबल करके उनकी ब्रांडिंग करके उनको दे देते हैं जिससे उनको भी बहुत फायदा होता है और बेसिकली कॉलेज को भी एक डिस्टिटिव फैक्टर मिल जाता है उससे स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है कॉलेज यूनिवर्सिटी की नैक रेटिंग इंप्रूव करती है वर्ल्ड क्लास कॉन्टेंट और हमारे मिलने और प्रोफेसर का कॉन्टेंट हम उनको दे पाते हैं और को ब्रांडिंग हो जाती है हमारे यहाँ गगन भूटानीज डिपार्टमेंट को देखते हैं अगर आप भी किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं तो नाइन आप गगन भूटानी से संपर्क कर सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं मैं आपके लिए ज्ञान का दरवाजा तो खोल सकता हूँ लेकिन उस दरवाजे के अंदर प्रवेश आपको खुद ही करना है हमेशा आपको खुद ही करना है जीवन में कुछ बड़ा तभी कर पाओगे जब अर्निंग पे नहीं लर्निंग पे ध्यान लगाओगे इसीलिए बार बार कह रहा हूँ एक ही बात नो रिपीट टेलीकास्ट नो रिपीट टेलीकास्ट YouTube से वीडियो बाद में हटा लिया जाएगा अगली मेरी स्ट्रैटेजी है बिजनेस कैनवस यानी कि एक शीट पे पूरा कैनवस कैसे तैयार करें पूरे बिजनेस को कैसे सोचें वैसे मैंने बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान नाम का भी वीडियो दिया हुआ यूट्यूब चैनल पर आप वो वीडियो भी देखिए फ्री वीडियो बिजनेस के तो मैं बहुत देता हूं अगर आपको फायदा हुआ है मैंने बताया कि आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी बिजनेस की स्टोरी बताइए जिसको हम अपने सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे अपना ई एड्रेस देंगे व्हाट्सएप नंबर देंगे वहां आप शेयर कर सकते हैं बिजनेस कैनवस ये डिफाइन करता है कि आप कैसे क्रिएट डिलीवर और कैप्चर करते हैं वैल्यू को इसको आपको आठ पी के अंदर बताना है आठ पी ये क्या है आठ पी प्रॉब्लम प्रोस्पेक्ट पीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग पोजिशनिंग प्रोसेस परफॉर्मेंस प्रॉफिट और पर्पस ये आठ पी हैं समझिएगा बात को आपने प्रॉब्लम बताया आपने प्रॉस्पेक्ट प्रॉब्लम को समझा आपने प्रॉस्पेक्ट यानी कि कस्टमर को समझा कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम है तो पहले प्रॉब्लम और प्रॉस्पेक्ट यानी कौन सा कस्टमर से कौन सी प्रॉब्लम फिर कौन से पीपल हायर करूंगा मैं कैसे पीपल हायर करूंगा वो चैनल कैसा होगा की पार्टनर्स कैसे होंगे एम्प्लॉय कैसे होंगे हम लोग मिल करके पीपल मिल करके हमारे साथ में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट को हम किस प्राइसिंग और पोजिशनिंग पे बेचेंगे और उसके बाद उसे कैसे प्रोसेस और परफॉर्मेंस के साथ स्पीड करेंगे ताकि वो जल्दी बना सके स्पीड से बना सके कम कॉस्ट पे बना सके ज्यादा बना सके हाई स्केल पे बना सकें उससे कैसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और फाइनली हमारी कंपनी का एक्चुअल पर्पज कोर वैल्यूज क्या है वो पर्पज सभी जगह एस्टैब्लिश्ड रहता है ये आठ पी है.

और वहीं से आप मार्केट को इवेल्यूएट करोगे कस्टमर सेंट्रिक आप तभी बनोगे आप कंज्यूमर की नीड को समझ सकोगे आप कस्टमर के मनी मेकिंग मॉडल को पहचान सकोगे उसको कितना अर्जेंटली चाहिए यह प्रोडक्ट क्योंकि कस्टमर की लीड कस्टमर की नीड ही आपको देगी बिजनेस की लीड सो कस्टमर नीड विल गिव यू मोर लीड्स वो तभी आप करते हो रिवर्स प्रोडक्शन वही असली इनोवेशन होता है दो क्वेश्चन कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है दूसरा ऐसे कैसे सॉल्व करूं कस्टमर मेरे बिना अपने आप कभी सॉल्व ना कर पाए तभी आती है मोनोपली बिजनेस कैनवस के, के लिए ये पहला पी बड़ा जरूरी है फिर जाके दूसरा पी ढूंढिए कौन से कस्टमर के लिए माल बेचना है मुझको पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड दे लाइक टू बी हेल्प्ड ढूंढिए उन पीपल को कैसे आप मदद कर सकते हैं समझाते हैं प्रॉस्पेक्ट को उनके बिहेवियर को समझिए उनके टच पॉइंट्स को पहचानिए वो कहां पर आके माल खरीदते हैं कैसे खरीदते हैं किधर से बाय करते हैं ऑनलाइन लेते हैं ऑफलाइन लेते हैं रिटेल में लेते हैं क्या तरीका है टोटल मार्केट साइज को पहचानिए टाइम टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज अब उसके बाद आप हायरिंग करेंगे क्योंकि अब आपको कस्टमर भी समझ में आ गया इसका प्रॉब्लम भी समझ में आ गया अब आप हायरिंग करेंगे हायरिंग के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को अपने फैमिली से किन लोगों को एंगेज करना है अपने इंप्लॉइज को कैसे मोटिवेट रिटेन एंगेज करना है चेंज मैनेजमेंट कैसे बिल्ड करना है आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा क्योंकि तब जब आप ये सब कर पाएंगे तभी वो आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे अच्छे प्रोडक्ट के लिए आपको एक एम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसको टेस्ट करोगे मार्केट में आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ प्रोडक्ट बनाना है लो कॉस्ट पर बनाना है आपको एक इको सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट को बनाना तैयार करना है टेक्नोलॉजी के साथ बनाना है ताकि आप उसको स्केल कर सकें और तभी आप एसेट लाइट प्रोडक्ट को आगे लेके जा पाएंगे शुरू में तो पायलट करेंगे ना आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे सीधा इतना स्केल मत करिए एच डी एफ सी भी यही करता है एक रीजन ने पहले प्रोडक्ट को पायलट करता है बाद में पूरे देश में स्केल करता है हमने भी अपने जब आई बी सी बनाए इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जो आज दो लाख तीन लाख पांच लाख रुपये महीना कमा रहे हैं पहले हमने केवल एक हज़ार आई बी सी बनाए उनके साथ पायलट किया अब हम बीस हजार आईबीसी बनाने जा रहे हैं अब उनके साथ स्केल कर रहे हैं अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं हमारे बोर्डलाइन नंबर पर फोन करिए हमारे साथ आईबीसी बनिए शुरू में पायलट एक्सपेरिमेंट करिए छोटा सा प्रोडक्ट के साथ में देखिए क्या बिकता है कौन सा फास्ट मूविंग है कौन सा स्लो मूविंग है कौन सा नॉन मूविंग है देखिए क्या ज्यादा बिकता है उसके बाद ज्यादा तेल बनाइए पहचानिए आप है कौन आप न्यूएस्ट है कैसा प्रोडक्ट बनाना है रिलायबल बनाना है मोस्ट कन्वीनियट बनाना है कूलेस्ट बनाना है एक्सपर्ट बनाना है मोस्ट नीडेड बनाना है बेस्ट क्वालिटी बनाना है प्रिसाइज बनाना है यूनिक बनाना है एडवेंचरस बनाना है प्रोडक्ट चीपेस्ट बनाना है कैसा बनाना है और उसके बाद उसको आगे लेकर जाइए राइट प्राइस पर पहुंचाइए तब आपका आता है पी किस प्राइस पे आपको बेचना है आप लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करोगे ब्रांड प्रॉमिस क्या है आपका कॉल टू एक्शन क्या है जिंगल क्या है अपसेल क्रॉस सेल करेंगे लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर बिल्ड करेंगे एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग करेंगे ब्रांड लॉयल्टी लेके आएंगे क्रॉस प्रमोशन करेंगे ब्रांड इक्विटी बढ़ाएंगे तो प्राइसिंग पोजिशनिंग के बाद आपने देखा कि मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है आप प्रोडक्ट लेके गए आपने पायलट किया पायलट करके आपने बेचा देखा एक्सेप्टेबिलिटी आ गई अगर एक्सेप्टेबिलिटी आ गई तो अब प्रोसेस परफॉर्मेंस नहीं आई तो वापस पहले पी पे जाएंगे प्रॉब्लम समझेंगे फिर पांचवें पी पे आएंगे धीरे धीरे सही मैन पावर सही प्रोडक्ट के प्राइसिंग पोजिशनिंग पर बेचेंगे पांचवें के बाद फिर छठा आ जाएगा कस्टमर की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई अब एक्सपैंड कर दो प्रोडक्टिविटी फार्मूला लेके आओ के बनाओ नया मैन पावर के साथ और एक्सपैंड करो आप लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग बनाओगे उसके बाद अभी आप रीजनल थे अब आप स्केलेबल हो जाओगे अब आप आ, सारे एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क डाल दोगे और उसके बाद कमर्शलाइजेशन लॉन्च एंड अप नया चैनल पार्टनर सप्लाई चेन आप एक्सपैंड करते चले जाएंगे आप प्रमोशन के बाद अपनी मैन पावर से स्केलेबिलिटी में जाएंगे और फिर फाइनली प्रॉफिट देखेंगे कि अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाऊं अब प्रॉफिटेबिलिटी आना मुश्किल नहीं है अब आप कंपनी को लिस्ट कर सकते हो बी एस पे लेके जा सकते हो फंड रेज कर सकते हो नई रेवेन्यू स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो फ्रेंचाइज मॉडल पर जा सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर जा सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बना सकते हो सेल्स के अलग अलग मॉडल को अडेप्ट कर सकते हो ऑफ सीजन सेल्स को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो अब आप इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर सकते हो आप पुरानी गलतियों से आप इंप्रूव करके और आगे जा सकते हो अब आप नए एस प्रोसेस के साथ और तेज प्रॉफिटेबिलिटी पर जा सकते हो यह सब मुश्किल नहीं है लेकिन ये सब के सब तभी टिकेंगे जब आपका आठवां पीठी को होगा वो है आपका पर्पज कोर वैल्यू कंपनी का बिलीफ क्या है हिटलर का बिलीव था कि जर्मनी पूरी दुनिया पर राज करना चाहिए क्योंकि जर्मन लिए असली लोग हैं जैकमा का बिलीव था कि हम सिलिकॉन वैली को यूएस से उखाड़ के चाइना में ले आएंगे गांधी का बिलीव था कि हमारे को बहुत अच्छे से विनम्रता से जीवन जीना चाहिए हिंसा नहीं करनी है बाबा रामदेव का बिलीफ है स्वदेशी शिल का भी बिलीफ है भगवदगीता आपका बिलीफ क्या है पूरी कंपनी का बिलीफ क्या है उसको एस्टैब्लिश करें तभी ये सीक्वेंस में जाएंगे कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे किसकी उस कस्टमर की प्रॉस्पेक्ट और उसके बाद सही मैन पावर हायर करोगे फिर एक प्रोडक्ट तैयार करोगे फिर उसको मार्केट में पाँचवें स्टेप पर बेच के दिखाओगे ठीक हुआ तो फिर आप प्रोसेस परफॉर्मेंस एक्सपैंड करोगे साथवें प्रॉफिट लेके आओगे सभी तब ठीक रहेंगे जब कोर वैल्यू ठीक होगा यही है पूरा बिजनेस कैनवस जिसमें अब अपने की पार्टनर्स की एक्टिविटी वैल्यू प्रिपोजिशन अपना कस्टमर रिलेशनशिप ये सारी चीज़ें अब अपने चैनल की एक्टिविटी और कॉस्ट स्ट्रक्चर रेवेन्यू स्ट्रीम उनको एक शीट पे लिखोगे ताकि आप पूरे बिजनेस को प्लान कर सको सिंपल सी बात है अगर राइट इंसान राइट समय पे राइट जगह पे राइट मैसेज देगा राइट कस्टमर को यानी कि राइट ऑडियंस को राइट प्रोडक्ट के साथ तो कभी दिक्कत नहीं आएगी ये आपको जिंदगी भर काम आएंगे परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है परिवर्तन सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है इस हफ्ते का लाभ उठाइए और अपने अंदर परिवर्तन लाइए क्योंकि हमारे भी इस हफ्ते को मनाते -मनाते तीन दिन रह गए मैं यहां कर रहा हूं मेहनत पूरी मैं कर रहा हूं मेहनत पूरी क्योंकि मेरे लिए आपकी सफलता जरूरी आप भी दे दो मेरा साथ नो रिपीट टेलीकास्ट इसके बाद वीडियो यूट्यूब से हटा दिया जाएगा अभी शेयर कर लो सारे दोस्तों को दिखा दो इसी के साथ मेरी अगली स्ट्रैटेजी रिपीटेबल प्रोटोटाइप, रिपीटेबल प्रोटोटाइप स्केलेबल रिपीटेबल मॉडल समझाने से पहले एक तुरंत कहानी सुन लीजिए एक एक सेब सेब मेरे पास, एक आपके पास, आपके आपका सेब मैंने लिया अपना सेब आपको दिया तब भी हमारे पास क्या रहा दो हो गए नहीं अभी भी एक एक सेब रह गया आपके पास भी एक मेरे पास भी एक लेकिन अगर आप ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे तो ज्ञान बढ़ जाता है सेब का आदम प्रदान किया तो एक ही रह जाता है ज्ञान का आदम प्रदान करने के लिए इस यूट्यूब को शेयर करिए इस ज्ञान को दूसरों तक फैलाइए सबका फायदा होगा वापस आते हैं रिपीटेबल प्रोटोटाइप पर्सनालिटी ओरिएंटेड बिजनेस को प्रोसेस ओरिएंटेड कैसे करेंगे संजीव कपूर वो सेलिब्रिटी शेफ थे जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया प्रोसेस बना बना के ठग्गू के लड्डू कानपुर में आज तक लड्डू बेच रहा है बिल्ले हट्टी ऑफ लाहौर छोले भटूरे कमला नगर में आज भी वही बना रहा है पिछले पचास साल सत्तर सालों से हाजी अली जूस कॉर्नर पर आज भी वही जूस बेच रहा है कोई अपनी अगली ब्रांच नहीं खोल

क्या आप भी लल्लू लाल रहना चाहते हैं क्राइसिस के अगेंस्ट प्रोसेस बनाना ढूंढो क्या क्या गड़बड़े हो रही थी उसके अगेंस्ट प्रोसेस बना दे ताकि वो गड़बड़ रिपीट ना हो बस यही तरीका है कैसे किया जाए आपके यहां बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके दिमाग में प्रोसेस फिट है पेपर पर पे नहीं है पेपर पर पे लिख दिया होता ना तो अगर वो छोड़ के भी चला जाए तो उस पेपर को दोबारा दूसरा आदमी फॉलो कर लेगा अग्रवाल पैकर मूवर की यही सबसे अच्छी चीज थी वो हर नए प्रोसेस को पेपर पर पे लिखते थे और उसको बाद में सबसे फॉलो कराते थे थे। क्या क्या तो पांच चीजें समझ लीजिए आप पहले चार चीजें समझते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोसेस इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन चार चीजें प्रोसेस ऑटोमेशन क्या टेक्नोलॉजी डाल के काम को ऑटोमेट कर दो डायलर लगा लो सीआरएम लगा लो बहुत सारी चीजें ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं चैटबॉट लगा लो चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी ऑटोमेशन लाने से आप तब तक ऑटोमेट करने का प्रयास करिए जब तक एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न ना आ जाए जैसी चीज ना आ जाए मशीन लगा लो इससे बाद में कॉस्ट रिड्यूस होगी टाइम बचेगा और आप स्केल मैक्सिमाइज कर सकोगे एक होता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट क्या है जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको और इंप्रूव कर दो उसको और आगे ले जाओ स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और बढ़ा दो उसमें कुछ कमियां थी ढूंढ ढूंढ करके बढ़ाओ उसको बोलते हैं काइजन इंप्रूवमेंट लाते जाओ इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढो करंट प्रोसेस को और इंप्रूव करने को बोलते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट की कई टेक्निक्स होती विजुअल रिप्रेजेंटेशन चार्ट का बन जाता है एक चार्ट आपका जो भी फ्लो है काम का उसका एक प्रोसेस डायग्राम बना लो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डायग्राम और ढूंढो उसमें कहां कहां पे कमजोरी है उसको ठीक करें इसके तरीके कई होते हैं किसी और दिन बात करेंगे फिश बोन डायग्राम होता है हिस्टोग्राम चार्ट होता है स्कैटर डायग्राम होता है या परेटो चार्ट होता है ये कई चीजें इनको आराम से समझाएंगे पर शॉर्ट शौर, में समझिए क्राइसिस को प्रोसेस में कन्वर्ट करना है फिर होता है प्रोसेस इंटीग्रेशन चीजों को जोड़ देना जो इं, आ, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन को जोड़ देती है कि अगर सेल्स हुई तो रेवेन्यू कैसे अकाउंट्स वाला अपने आप ट्रैक कर ले ये नहीं कि सेल्स वाला करके बताए दो डिपार्टमेंट इंटीग्रेट हो गए हायरिंग हुई तो वो आदमी सीधा डिपार्टमेंट में चला गया ट्रेनिंग के लिए आपस में इंटीग्रेट हो गए इससे क्या है बिजनेस का फ्लो इंप्रूव होता है आपस में कम्युनिकेशन बढ़ता है और इंटरनल एक्सटर्नल क्लाइंट के साथ में इंटीग्रेशन का काम है ऐसे ही प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेशन होता है ऑर्गेस्ट्रा देखा है आपने पहले बहुत चला करते थे ऐसे ऐसे दो डंडे हाथ में लेके एक आदमी हिलता रहता था और जिसको जो बजाना है उसको इशारा किया उसने वो बजाया उसको इशारा किया उसने वो बजाया तो उसमें सीक्वेंसिंग हो गई कब किसका काम आएगा इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन इसमें अलग अलग टाइम मनी एफर्ट को सीक्वेंस करके स्टैंडर्डाइज प्रोसेस में डाल दिया गया है यह इससे एफिशिएंसी और बढ़ती है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जेड तक किसका कब रोल आएगा अगर हम भी वीडियो बनाते हैं कंटेंट बनाते हैं तो पहले कौन स्पीकर है उसको ढूंढा वो स्पीकर आया उसके साथ कंटेंट क्यूरेट किया कंटेंट क्यूरेट करने के बाद उसके साथ वीडियो प्रोडक्शन में वीडियो बनाया वीडियो बनाने के बाद वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन में गया पोस्ट प्रोडक्शन में जाके उसकी एडिटिंग हुई उसमें एनिमेशन डाला उसके बाद वो ऐप में इंटीग्रेट हुआ उसके बाद सेल्स मार्केटिंग की टीम को बताया इसको सेल कैसे करना है उन्होंने कस्टमर को बताया तो ये ए से लेकर जेड तक सारे सीक्वेंस है कब किसका क्या रोल आएगा कब वो हिला करके अब तेरी बारी है तू काम कर अब तेरी बारी तू काम तो सीक्वेंस आ गया मैन पावर को अब सीक्वेंस कर सकते हो करना कैसे पर्सन का रोल डिफाइन किया फ्लो चार्ट में सीक्वेंस बनाया और असेंबली लाइन तैयार कर दिया असेंबली लाइन बन गया धड़ 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 बनती जाएंगी फोर्ड फोर्ड ने ने पहली बार हेनरी इतनी सारी गाड़िया बनाई थी ऐसे ही होटल के अंदर भी बहुत ही प्रोसेस को फॉलो किया राशि से रिस्पॉन्सिबल कौन है अकाउंटेबल कौन है इसका कंसल्टेड कौन है और इन्फॉर्म कौन है जैसे आदमी ने सफाई करनी है बाथरूम के अंदर कमरे के अंदर होटल में रूम में तो सफाई करने वाला रिस्पॉन्बल है पूरे के पूरे फ्लोर का मैनेजर अकाउंटेबल है करेगा ये लेकिन जिम्मेदारी फ्लोर मैनेजर की है जो सुपर स्पेशलिस्ट है कभी गड़बड़ होगी तो उसको कंसल्ट करेंगे और जो जनरल मैनेजर है होटल का वो खाली इन्फॉर्मड होगा आर ए सी आई रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल कंसल्टेड इंफॉर्म्ड आपने बना लिया पूरा सीक्वेंस तैयार हो गया इससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो मेरे पार्टिसिपेंट लीडरशिप फनल के सन्नी वर्मा उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने भी आ, इजूसा डायमंड बनाया हमारा सपना हर कोई पहन सके हीरा अपना स्केलेबल कर दिया अफोर्डेबल कर दिया आज सत्ताईस डिस्ट्रीब्यूटर बना चुके पिछले अठारह महीने में कॉस्ट को रिड्यूस किया सर्विस एक्सीलेंस बिल्ड किया इसी ये बॉटम ऑफ पिरामिड का पिराजाम्पल है कि हीरे को कैसे सस्ता कर दिया दस जार से ज्यादा कस्टमर हो गए हमारा सपना हर कोई पहन सके हीरा अपना इतने डीलर बनाए जा रहे हैं एक्सपेंशन किए जा रहे हैं टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क बिना ज्ञान प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता आपको भी ज्ञान प्राप्त करना है तो जब दुनिया सेलिब्रेट कर रही है इस ज्ञान को बढ़ाने का एम एस एम वीक पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है केवल हम नहीं तो हमने कहा हम क्यों पीछे रहे 24 से 30 तक के जो 10 दिन 10 कोर्सेज हम फ्री दे रहे हैं अब 30 तारीख तक तो केवल तीन दिन बचे हैं है जी 28 उनतीस तीस खत्म होने का मत करो जल्दी यही है वो सेमिनार जिसने करोड़ों की जिंदगी बदल दी बने रहो मेरे साथ नो रिपीट टेलीकास्ट यूट्यूब से वीडियो हटा दिया जाएगा अभी मेरे साथ यहीं रहो अगली स्ट्रैटेजी है एडवांटेज एडवांटेज ऐसी एड़ौंटेज जो लंबे समय तक रहने वाली है कैसे होगा मार्केट में कैसे मोनोपोली क्रिएट करेंगे फ्रेमवर्क चार स्टेप का पावरफुल फ्रेमवर्क मैं हमेशा फ्रेमवर्क देना पसंद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर काफी फ्रेमवर्क दिए हैं खुद तो सब्सक्राइब आपने किया होगा दूसरों से जरूर कराइए सोचिए किसको बिजनेस में आगे बढ़ना है चार स्टेप्स व्रियो वैल्यूएबल बल ऑर्गेनाइज ये चार स्टेप में आप अपने पूरे बिजनेस को एनालाइज कर लेंगे कि आप कहां खड़े हैं आज क्या आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है कि नहीं है जैसे हमारा प्रोडक्ट है ई आई एवरीथिंग अबाउट ऑन्टरप्रीनोरशिप मैं उसको एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मानता हूं इतना वैल्यूएबल है कि आज हार्वर्ड हमारे ऊपर केस स्टडी बना रहा है हमारे एवरीथिंग अबाउट पे आज दुनिया की बड़ी कंसल्टिंग कंपनी आकर के हमारे ऊपर केस स्टडी बना रही है आज हमारा इंपैक्ट के ऊपर सर्वे करने के लिए एसी नीलसन आ गया है क्यों क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है जो अटेंड कर रहा है इस तरीके का कॉन्टेंट देख रहे हो ना क्या कॉन्टेंट दे रहा हूं कोई गैस नहीं है रियल प्रीमियम कॉन्टेंट एवरीशिप में सॉलिड कॉन्टेंट है वैल्यूएबल है अगर वैल्यूएबल नहीं है तो आपके पास कॉम्पिटेटिव है अगर वैल्यूएबल है यस तो अगले स्टेप पे मूव करते हैं क्या आपका प्रोडक्ट रेयर है कि नहीं है रेयर का मतलब ऐसा तो नहीं है कि सबके सब बना रहे हो अगर सब बना रहे हैं तो कॉम्पिटेटिव पैरिटी यानी कि सारे कॉम्पिटिशन बराबर है अगर रेयर है दूसरे स्टेप में तो वेरी गुड अगले स्टेप चलेंगे आ, अगला स्टेप क्या है इन इमिटेबल क्या आपके प्रोडक्ट को इमिटेट किया जा सकता है क्या जिसका मन करे अब बनाना शुरू कर देगा उसको इजीली बनाया जा सकता है या उसको दोबारा आसानी से इमिटेट करना मुश्किल है जैसे हमारा प्रोडक्ट है वो रेयर भी है और इमिटेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इतना डिटेल में चले गए भारत की नब्स पहचान चुके हैं तो आज भारत के अंदर और आसपास कई देशों में कोई भी नहीं है जो हिंदी के अंदर इतना बिजनेस मैनेजमेंट इतनी आसानी से इतनी एनर्जी के साथ सिखा दे और इतना स्केल के साथ इतने वराइटी प्रॉड सिखा दे आसानी से इमिटेशन नहीं कर सकते क्योंकि अरब स्पीकर मेरे साथ खड़े हैं आज जो आकर के आपको सिखाते हैं इमिटेट करना पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर आपके प्रॉड को इमिटेट किया जाता तो टेम्प्ररी एडवांटेज है टेम्प्री कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और अगर इमिटेट नहीं कर सकते तो अगले स्टेप पर चलते हैं स्टेप फोर ओ ओ मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्या आप अपने प्रॉड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो ऐसा तो नहीं कि आप लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले हो बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर हो ऑर्गेनाइज करके उसको स्केल कर सकते हो अगर स्केल भी कर गए तो हो गया सस्टेन कॉम्परेटिव एडवांटेज ये चारों पे अपना टेस्ट ले लो वैल्यूएबल रेयर एनिमेटेबल और ऑर्गेनाइज चारों पे जब टेस्ट लोगे इसे लेते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको नई इंडस्ट्री में इस बिजनेस में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए इससे प्रॉफिट पोटेंशियल का पता चलता है अगर चारों में यस है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर नो है तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा पांच बातें मैं आपको और बताने वाला हूं उसके अंदर ये पांच चीजें समझ में आ गई ये फाइव फैक्टर अगर आपके हाई है तो प्रॉफिट लो होगा और ये फाइव फैक्टर जो बता रहा हूं अगर ये लो हुए तो प्रॉफिट बहुत हाई होगा इन पांच फैक्टर को समझो पहला फैक्टर क्या है कि क्या आपके बिजनेस में जो आपका सप्लायर है उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है अगर सप्लायर जो आपको माल देता है रॉ मटेरियल वो अगर आपसे बहुत बार्गेनिंग कर लेता है और आपको महंगा बेच देता है तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा वॉलमार्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बिग बाजार ऐसी है जो पीछे सप्लायर से बहुत सस्ते में माल खरीदते हैं दूसरा क्या आपका जो कस्टमर है उसके पास में आज बार्गेन करने की पावर है कि नहीं है जितनी ज्यादा ऑप्शन होगी ना आपके कस्टमर के पास में तो वो उतना ज्यादा बारगेन करेगा अगर उसके पास ऑप्शन नहीं है तो आपसे खरीदेगा चुपचाप खरीद लेगा जितनी ज्यादा ऑप्शन होगी आपसे नहीं इससे ले लूंगा इससे नहीं उससे ले लूंगा श्यामलाल से नहीं रामलाल से ले लो अरे घनश्याम लाल से ले लो अरे चमन लाल से ले लो अरे मगन लाल से ले लो जितनी ज्यादा ऑप्शन उतना ऑब्जेक्शन आपसे उधार भी मांगेगा डिस्काउंट भी मांगेगा तो चेक करो दूसरा पॉइंट क्या आपके कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं है तीसरा क्या आपके प्रोडक्ट में कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल तो नहीं जितने ज्यादा सब्सिट्यूट उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा जैसे कॉफी का सब्सिट्यूट चाय है तो ट्यूट है तो आपकी बार्गेनिंग आपके पास आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं बड़ी सिंपल सी बात है कस्टमर की लॉयल्टी और कस्टमर के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रिलेशनशिप सब्सिट्यूट को डिफाइन करता है चौथा क्या नए कॉम्पिटिटर के घुसने का डर तो नहीं है और पांचवा क्या एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा तो नहीं है तो चौथा चो, पांचवा नजदीक है नया कॉम्पिटिटर और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर कितने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है और जो अभी कॉम्पिटिटर है उनके साथ कस्टमर कितना लॉयल है ये पांच चीजें डिफाइन करेंगे कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा लर्निंग लर्निंग से ही अर्निंग आती है अपनी पे इन्वेस्ट करो तभी जिंदगी भर अर्निंग मिलेगी यही बुद्धि यही दिमाग जिंदगी भर कमा के देगा आप इसी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे इसलिए हमने आपके लिए एमएसएमई बुलाया इसके बाद सारी ऑफर्स हमेशा के लिए खत्म है दस कोर्स डेढ़ लाख रुपए के लगभग हम आपको फ्री दे रहे हैं अभी एक के साथ में तीन दिन बचे हैं जो हो सकता है कर लो इंटरेस्ट फ्री आई के साथ आपको दे रहे हैं और एक बात याद है उठने की गलती मत करना छूट गया तो वापस नहीं मिलेगा नो रिपीट टेलीकास्ट याद रखना एक ही बात कर रहे हैं बड़े काम की बात नो रिपीट टेलीकास्ट मेरी अगली स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट मीट्रिक्स अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है और प्रोडक्ट मीट्रिक्स के साथ साथ एक काम जरूर करिए जितना हो सके शेयर करिए शेयर करिए इस वीडियो को ज्ञान बांटिए लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे इज्जत करेंगे आप फालतू फालतू वीडियो नहीं दे रहे उनकी मदद करने वाला वीडियो दे रहे हैं यू नेवर नो कौन आदमी कहां पहुंच जाए जे कर्व हो जाए और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे प्रोडक्ट मीट्रेश के लिए ध्यान से सुनिएगा अगर आप भारत में बिजनेस कर रहे हैं और सेम प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसको बोलते हैं मार्केट पेनीट्रेशन छेदन भेदन पेनेट्रेशन यानी कि उसी मार्केट में अब ज्यादा कमाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत अगर वही इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तीसरा अगर आप वही प्रोडक्ट लेकर के इंडिया की जगह इंटरनेशनल में चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। आप नई मार्केट डेवलप कर रहे हो प्रोडक्ट वही है आप दुबई चले गए चाइना चले गए चाइना में बेच क्या खरीदना मत था यूएस चले गए लंदन चले गए ऐसे ही आपने नई मार्केट में नया प्रोडक्ट ला दिया उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन धंधा ही बदल दिया नया तरीके का धंधा कर लिया पहले मार्केट पेनेट्रेशन समझते हैं आप ज्यादा कस्टमर ज़्यादा टर्नओवर हो गया पेनेट्रेशन आपने उन्हीं कस्टमर से ज्यादा ट्रांजेक्शन करा ली हो गया ज्यादा टर्न आपने उन्हीं कस्टमर को लॉयल बना लिया वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली लेने लग गए हो गया ज्यादा टर्नओवर आपने ज्यादा महंगे प्रोडक्ट भी रखने शुरू कर दिए ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया हो गया ज्यादा टर्न इसको बोलते हैं मार्केट पेनेट्रेशन यानी कि उसी मार्केट में उसी जोग्राफी में आप ज्यादा कस्टमर को एक्वायर कर लें, ज्यादा रेवेन्यू ज्यादा टर्न बढ़ा लें मैंने भी मार्केट प्रेजेंट्रेशन को बिल्ड करने के लिए अपने ही भारत की मार्केट में या अपने इंडियन जो दुनिया भर में रह रहे हैं उनके लिए वेबिनार्स करने शुरू करी जैसे जैसे वेबिनार करते जा रहे हैं आप जानते हैं एक बात तो पक्की है जब बड़ा बिजनेस वेबिनार करता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है दुनिया में सौ से ज्यादा देशों के लोग आकर के हमारा वेबिनार अटेंड करते हैं दैट्स नंबर वन और हम पिछले अपने रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं और हो सकता है आज के भी ऑफिशियल अटेम्प्ट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए आप हमारा साथ दीजिए वीडियो को शेयर करते रहिए ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए मार्केट पेनेट्रेशन के लिए मैंने अपना उदाहरण दिया अपने उदाहरण से आपको जल्दी समझा पाऊंगा वेबिनार करता हूं आ, इसके अलावा अगर मैं देखूँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी कि इसी मार्केट में नए नए नही प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं एक मैं प्रोडक्ट लेकर के आया प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्सेस ये तो दो साल का कोर्स है एवरीथिंग अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स भी लेकर के आए हैं कि आपसे फाइनेंस समझ नहीं रहा तो आप वर्किंग कैपिटल के ऊपर सीखिए बैलेंस शीट का हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीएनएल का कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोर्स ले सकते हो पूरा फाइनेंस सीख सकते हो प्रेजेंटेशन कैसे दे वो सीख सकते हो बेसिक सीआरएम ई आरपी कैसे लेकर के आए टेक्नोलॉजी कैसे लगाए उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया जीरो डॉलर मार्केटिंग पर शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया बिजनेस ऑटोमेशन पर शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया है डेट मैनेजमेंट मुझ पर कभी कर्जा ना हो अगर आप पे कर्जा है तो फिर डेट मैनेजमेंट का कोर्स जरूर खरीद लीजिएगा पैसिव इनकम पर शॉर्ट टर्म कोर्स कैसे बना जिंदगी भर इनकम अपने आप आती रहे उसके कोर्स बनाया फंड रेज कैसे किया जाए 24 चैप्टर का लगभग 30 चैप्टर का फंड रेजिंग का सॉलिड कोर्स उससे पावरफुल कोई कोर्स नहीं है फंड रेजिंग के ऊपर हमने सबसे अच्छा प्रोग्राम हिंदी में सारे टूल्स सारे फ्रेमवर्स और किस किस से फंड ले सकते हो चार प्रकार के फंड कौन इन्वेस्टर है उनके ईमेल एड्रेस क्या उनके मोबाइल नंबर क्या सब कुछ दिया फंड रेजिंग कोर्स में पर्सनलिटी कैसे डेवलप करें उस पर कोर्स बनाया सेल्स कैसे बिल्ड करें उस पर कोर्स बनाया स्टूडेंट्स के लिए बनाया पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी आज तो पॉकेट मनी है प्रोफेशनल सैलरी कैसे मिलेगी यूनिवर्सिटीज हमारे से ये कोर्स ले रही हैं

राइट right. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो नई मार्केट में नया प्रोडक्ट हमने क्या किया इसके लिए हमने आईबीसी बना दिया इंडिपेंडेंट बिजनेस बिजनेसेंट मार्केट ही चेंज कर दी एक नया प्रकार का का मार्केट लेके आए जिसको खुद का छोटा बिजनेस करना था या कोई नौकरी करता था वो अपना इंडिविजुअल काम करना चाहता है हमारे साथ में मिल करके. हमने आईबीसी बनाया इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जो लाखों रुपए हमारे साथ मिलकर कमा रहे हैं उनको हम लाइफ मेंबरशिप तो फ्री में देते ही है आईबीसी के साथ में वो जिंदगी भर मेरे से एसोसिएटेड रहता है उसको लाइफ टाइम मेरे सारे कोर्सेज फ्री मिलते हैं वो उसको मैं डायरेक्टली ट्रेन करता हूँ उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा रहता है उसको वो हमारे कोर्सेज को प्रोडक्ट को लोगों को रेकमेंड करता है वैसे भी आप मेरे वीडियो शेयर करते हैं वैसे भी आप मेरे कोर्स रेकमेंड करते हैं लेकिन उसको रेकमेंडेशन का पैसा भी मिलता है उसके लिए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी कर सकता है इस समय कोरोना क्राइसिस के बाद बहुत ज्यादा आई बढ़ गए उसको खाली क्या करना है रेफरेंस देना है रेफरेंस से पैसा कमाना है और वो बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है हमारा ब्रांड उसके साथ जुड़ जाता है उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए उसको कोई ऑफिस नहीं चाहिए है उसको हमारी ब्रांचेस से और हमारे हेड ऑफिस से रेगुलर सपोर्ट मिलता है कहीं से भी वो काम कर सकता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं उसको और उसके बाद फिर उसको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी बहुत मिलता है कोई क्वालिफिकेशन की टेंशन नहीं है इसमें छोटी एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें इंटरेस्ट फ्री ई की भी ऑप्शन आपको दे दी जाती है और बाद में हमारे सारे के सारे प्रोग्राम्स के अलावा जब कभी इवेंट वापस जो चालू होेंगे अब कोरोना क्राइसिस के बाद आपको अपग्रेडेड डायमंड कैटेगरी की सीट्स भी मिलती हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पूरा देते हैं अगर आपका कोई बिजनेस है आप साथ में आई बन सकते हो जिंदगी

ये हमारे अहमदाबाद से आई बी सी इन्होंने भी लगभग सोलह लाख रुपए का रेवेन्यू किया है मुकेश कुमार ये दिल्ली से आई बी सी इन्होंने लगभग बारह लाख नवासी हज़ार लगभग तेरह लाख रुपए का रेवेन्यू किया है रोहित है नोएडा से इन्होंने भी सवा बारह लाख रुपए का रेवेन्यू किया है ऐसे बहुत सारे हैं दीपक विश्वकर्मा अल्ताफ गुलरेज अलीगढ़ से है ये दीपक पुणे से है उमेश मिश्रा है ये यूपी से है किसी बहुत छोटे शहर से है ब्रजेश प्रजापति अहमदाबाद से हैं लोकेश शर्मा आगरा से ये सब लोगों ने कम से कम दस बारह पंद्रह बीस पच्चीस लाख रुपए का काम इन्होंने रेवेन्यू किया है आप इनकी फोटोग्राफ और नाम के साथ देख सकते हैं अब तो हम ऐसा काम करने जा रहे हैं कि तो हमारे प्रोडक्ट इतने पावरफुल हैं लोग अपने आप खरीदते हैं वृंदावन में एक रिक्शे वाला मुझे मिला बोला मैंने आपका कोर्स खरीदा है पहले रिक्शा चलाता था अब रिक्शा चलवाता हूँ पहले मैं ऑपरेटर था अब मैं कंट्रोलर हो गया हूँ अब मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ अगर रिक्शा वाला बिजनेसमैन बन बन रहा है तो ये मेरे लिए संतुष्टि की बात है इम्पैक्ट आ रहा है असर आ रहा है आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए

ये मैंने अडोप्शन कर बनाया हुआ है रिसाइकिल इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ साइकिल पहले अडोप्शन कर समझते हैं गंगा अगर बह रही हो तो स्नान कर लेना चाहिए अगर मार्केट चेंज हो रही हो अडॉप्ट हो रही हो तो अपने आप को भी चेंज कर लेना चाहिए वन नीड टू टू नीड्स अंडरस्टैंड बिहेवियर कस्टमर सिग्नल देता है उस सिग्नल को आइडेंटिफाई करे और तभी आप समझ करके इनोवेटर्स की लाइन में जा सकते हैं या अर्ली अडॉप्टर्स में जा सकते हैं हर मार्केट के अंदर इनोवेटर अर्ली अडॉप्टर भी होते हैं और लेट मेजोरिटी हैं यहां से शुरू होता है और यहां नीचे आकर के गिरता है ऐसे <coughs> ही एडोपन कर्व जो है इसमें आप देखते हैं कि मार्केट चेंज होती जा रही है इस समय सब कुछ डिजिटल हो गया है ट्रैवल इंडस्ट्री जो बेचारी कोरोना के बाद बहुत डैमेज हो चुकी है पहले से डैमेज हो रही थी गो आई ओयो थॉमस कुक ट्रिवैगो के आने के बाद फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ई पोर्टल्स खत्म करते जा रहे हैं स्टेशनरी या पेपरलेस हो गई है किताबें पूरी तरीके से किंडल पर मूव कर चुकी हैं बिजली अब सोलर होती चली जाएगी राशन की दुकान वाला इस समय ऑनलाइन टू ऑफलाइन ऑफलाइन टू ऑनलाइन एमेजॉन फ्लिपकार्ट के कारण डिस्टर्बेंस में रहता है ये गाड़ियां इस समय ड्राइवरलेस होती जा रही हैं डीवीडी पहले मोजर बेयर की आती थी अब

ट्यूशन क्लासेस कम हो रही है क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज बढ़ रही है और कोरोना क्राइसिस के बाद तो वैसे भी ऑनलाइन एजुकेशन हमारे प्लेटफॉर्म में बढ़ गया है बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी इसीलिए क्योंकि इस समय बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी आगे बढ़ता जा रहा है तो हम भी कोशिश करते हैं कि काफी फ्री कंटेंट भी साथ साथ आपको देते रहे ब्रिक एंड मोटर बिजनेस को अब इस समय एग्रीगेटर्स ने खत्म कर दिया घर पर पहुंच गया ब्यूटी सलून सेल फोन पर बात करने का बिल घटा है इंटरनेट का बिल बढ़ा है चेंज हो गया है ब्रोकिंग बिजनेस को एग्रीगेटर खा गए हैं इस समय सरकारी नौकरियां घट के स्टार्टअप बढ़ते चले जा रही है इकॉनॉमी स्ट्रगल नहीं कर रही इकॉनमी शिफ्ट कर रही है ऑफकोर्स स्ट्रगल कोरोना के कारण है पर इकोनमी शिफ्ट हो गई है पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था अभी व्हाट्सएप लेके जाता है इस डेटा को समझो क्योंकि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा

स्टेजी से जाता है इंट्रोडक्शन से ग्रोथ से बाद में मेच्योर होता है बढ़ते 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 उसके बाद डिक्लाइन होता है प्रोडक्ट खत्म हो जाता है आगे चल के एक बात आपको बता देता हूं पते की बड़े कमाल की आपके धंधे में सुनना ध्यान से अगर मार्जिन भी कम हो रहा है सेल्स भी कम हो रही है सुनो फिर से आपके धंधे में अगर मार्जिन भी कम हो रहा है सेल्स भी कम हो रही है एडवर्टीजमेंट मत करना प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया है सुन रहे हो अगर मार्जिन भी घट रहा है सेल्स भी घट रही है एडवर्टीजमेंट मत करना प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया हो सकता है अब आप सनसेट की तरफ मूव कर चुके प्रोडक्ट पुराना हो चुका है आपको आपके ये क्या ग्रोथ सिग्नल्स मिल रहे हैं या थ्रेट सिग्नल मिल रहे हैं वो कहते हैं ना जब घोड़े से गिरना हो घोड़ी करते वक्त तो प्लानिंग करके गिरना चाहिए वरना घोड़े से अगर ऐसे बिना प्लानिंग के गिर गए तो घोड़े के पांव के नीचे आए तो गेम ओवर हो जाएगा जब भी घोड़े से गिरना हो धंधे में प्रोडक्ट बदलना हो प्लान करके बदल लो चेंज कर लो आप ग्रोथ और मेच्योरिटी स्टेज के बाद जब डिक्लाइन स्टेज आता है तो दिक्कत आती है कोलगेट का टूथ पाउडर खत्म हो गया है वो डिक्लाइन स्टेज पे आ गया था Nokia, और कस्टमर दो तुरंत ग्यारह के बाद पर शिफ्ट कर गए और सिंबियन को छोड़ करके विंडो पर जाना उसके लिए बर्बादी का कारण बना टेलीविजन आया करतरा बड़ा फेमस था इंडिया में सन 2000 के बाद अचानक ड्रॉप आया और एक साल के अंदर विद इन स्पैन ऑफ वन ईयर आउट हो गया पूरी मार्केट से बीपीएल कारण क्या टेक्नोलॉजी के साथ में उसने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया मारुति के साथ भी तो यही दिक्कत आई थी मारुति 800 जो गाड़ी थी वो कैसे डिक्लाइन हुई हिंडाई आई टेन शेबरलेस पार्क और बाकी सारी गाड़ियां आती चली गई और हुआ यही कि मारुति 800 जो कि सन 2000 में एक लाख इक्यावन हजार डेढ़ लाख से ज्यादा गाड़ी बिकी थी सन 2000 में 2007 में वही गिर के 69,000 हो गई यानी कि लाख से 69,000 डिप किया और 2008 हजार में बहुत तेज गिरा टाटा नैनो के आने के बाद और तेज गिरा मारुति 800 बंद करनी पड़ी इसी में ब्रांड एक्सटेंशन भी होता है या प्रोडक्ट एक्सटेंशन भी होता है जो केवल गाड़ियां बनाता रहा सब दुनिया जानती है कोरियन टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया उन लोगों ने इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए पिछले 20 साल से इंडिया में था ये, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एयर कंडीशन भी बेच रहा है इसको बोल रहे हैं ब्रांड एक्सटेंशन शिक्षा स्वतंत्रता के स्वर्ण द्वार को खोलने की कुंजी है एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर टू फ्रीडम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो यही छोटा दिमाग सब कुछ कमा करके देगा अगर इतना अफोर्डेबल प्रोग्राम मिल रहा है ना और इतना सॉलिड प्रोग्राम मिल रहा है तो इसकी इंक्वायरी करो बनना चाहते हो व्यापार जगत के विद्वान तो आज करो मेरे साथ मानसिक स्नान नो रिपीट टेलीकास्ट यूट्यूब से वीडियो हटा लिया जाएगा शेयर आप मुझे लगता है, कर चुके हो सब लोगों को मजा आ रहा है अगली स्ट्रैटेजी है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपने मनोरंजन तो बहुत किया होगा ये मनोमंजन का समय है चैनल को सब्सक्राइब करो मनोमंजन करो दूसरों को शेयर करो उनका भी मनोमंजन कराओ आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपका ब्रांड बढ़ेगा आप वो चीज शेयर करते हो जिससे सबका फायदा होता है इसलिए इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए द मोमेंट यू मेक मिस्टेक इन प्राइसिंग सुनो प्राइसिंग के बारे में द मोमेंट यू मिस्टेक मेक मिस्टेक इन प्राइसिंग यू आर ईटिंग यूर प्रॉफिट खत्म हो जाएगा आपका प्रॉफिट अगर आप प्राइसिंग में मिस्टेक करेंगे बहुत तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है एक होता है मिल्किंग एंड स्कीमिंग प्राइसिंग

ताकि सारे कॉम्पिटिटर को खत्म कर दो अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो दिक्कत आ सकती है क्योंकि काफी देर तक काफी दिनों तक इस लॉस को आप टेट नहीं कर पाओगे या बड़ी मात्रा में लॉस को टॉलरेट नहीं कर पाओगे फॉर एग्जांपल अगर एक करोड़ लोग रोज खरीदने लग गए तो बीस रुपए का नुकसान बीस करोड़ रुपए का नुकसान आपको रोज का अगर अगले सौ दिन तक भी झेलना पड़ गया तो यह आपके लिए दो हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा यानी कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तो दिक्कत आती है लॉस लीडिंग में एक होता है पेनेट्रेशन लॉस लीडिंग क्या है बेसिकली आपने सौ का माल अस्सी में बेचा पेनेट्रेशन होता है कि आपने सौ का माल एग्जैक्ट सौ में बेच दिया नहीं कि कमाया कुछ नहीं ब्रेक इवन प्राइस पे बेच दिया ये एग्रेसिव मार्केटिंग का तरीका है मार्केट पेनेट्रेशन करने का तरीका है ये तब यूज करते हैं जब बड़ी कॉम्पिटेटिव मार्केट होती है और एस्टैब्लिश लीडर को उखाड़ना हो आपको

चीता आया सबको खा गया सबको खत्म कर दिया प्रीडेटर आया सबको खत्म करने के लिए आया है ये ये इतना नीचे कर देते हैं कॉस्ट के इतना नीचे कर देते हैं कि आपको अनफेयर मार्केट एडवांटेज मिल जाता सब बर्बाद हो जाते हैं और सेलर इतना नीचे कर देगा कि बाकी के सप्लायर सारे के सारे जबरदस्ती बेचारे स्ट्रेस में आकर के मार्केट छोड़, छोड़ के चले जाते हैं इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोनोपलीस ने ने किया था रिलायंस पहले छह महीने तक सब कुछ बिल्कुल फ्री कर दिया और अगले छह महीने तक बहुत कम रखा जिसके कारण क्या हुआ बाकी सबको सारी मार्केट को बर्बाद कर दिया रिलायंस जियो ने हुँ? एक और होता है बैरियर प्राइसिंग बैरियर प्राइसिंग मतलब अपने प्राइस को ऐसा रखो कि नया आदमी ना एंटर कर पाए बस बैरियर आ जाएगा उससे इतना इतना कम रखना यह नहीं कि सौ का है कि नब्बे का करूं कि 90 का करूं कि 105 का अभी वो वो बात नहीं हो रही है मार्केट के हिसाब से डिसाइड करें कि ऐसा बैरियर बनाएं कि जैसे ही कोई एंटर करने की सोचे वो घबरा जाए अरे ये कमा क्या रहा है ऐसा बैर बना और आप अंदर कमा रहे हो कुछ जरूर कमा रहे हो ये डिफेंड करेगा दूसरे को अंदर नहीं घुसने देगा आपको भी अपने प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर है कौन आप एक अपर्चुनिस्टिक मार्केट में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्राइस रख सकते हो हल्की क्वालिटी पे अगर आप प्रीमियम मार्केट में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्राइस रख सकते हो लेकिन तब क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए चाइनीज गुड्स मार्केट में जा रहे हो तो प्राइस भी कम क्वालिटी भी कम वैल्यू फॉर मनी मार्केट में जा रहे हो तो क्वालिटी बहुत एवन चाहिए लेकिन प्राइस कम होना चाहिए जैसे रिलेक्सो मारुति हो गया ये क्या है ये वैल्यू फॉर मनी है प्रीमियम के अंदर वर्साचे लुई बिथॉन गुच्ची मोर्सिडीज हो गया तो आपको एक और तरीका बताते हैं आपको दूसरा तरीका ये है कि कॉग्स को समझो आपकी कॉस्टिंग क्या है उसके हिसाब से प्राइसिंग बनाओ पहले कॉस्टिंग को पहचानो और क्या करो आ, आप यह भी देखो कि सामने वाले को वैल्यू कितनी मिल रही है क्वांटिफाइड वैल्यू कितने रुपए का वैल्यू दे रहे हो उसके बेसिस पे भी आप, आप अपना प्राइसिंग तय कर सकते हो सामने वाले को बताओ आप कि भाई मैं तुझे सौ रुपए का प्रॉफिट कमा, कमा के दूंगा इतने की वैल्यू दे रहा हूं तो उसमें से बीस रुपए मैं रख लूंगा ऐसे ही ए, एक और तरीका है प्राइस डिसाइड करने का कि डिसीजन मेकर आपके हाथ में है कि नहीं है अगर डिसीजन मेकर से सीधा रिश्ता बन गया है तो प्राइस ज्यादा ले सकते हो अगर डिसीजन मेकर आपके हाथ में नहीं है तो प्राइस आप ज्यादा ले नहीं पाओगे एक और तरीका क्या? ऑप्शन पहचानो आपके आपके कस्टमर के पास ऑप्शन कितने हैं? उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड कर सकते हो अगर उसके पास बहुत सारी ऑप्शन है तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपकी गेम चेंज कर दोगे फिर मैंने एक जगह बात किया लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट पर भी आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपका प्रोडक्ट इस समय इनोवेटर कैटेगरी का है कि डिक्लाइनिंग कैटेगरी का है डिक्लाइनिंग कैटेगरी का, तो का तो प्राइस कम इनोवेटर कैटेगरी का तो प्राइस ज्यादा याद रखिए एनी वन लर्निंग स्टेज यंग फॉर एवर फोर्ड सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहोगे तभी जीतते रहोगे जीवन में हो जाओगे सफल अगर कर लिया इन स्ट्रैटेजीज पे अमल जीवन में हो जाओगे सफल अगर कर लिया इन स्ट्रैटेजीज पे अमल बस थोड़ी देर की और है बात याद रहना आपको नो no रिपीट टेलीकास्ट थोड़ी देर की और है बात नो no रिपीट टेलीकास्ट और एमएसएमई वीक के बारे में याद रखिएगा दस कोर्सेज फ्री के बारे में बात करिए और अगली स्ट्रैटेजी है ऑप्टिमाइज स्केल बड़ा करना है बिजनेस तो कैसे ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमाइजेशन के साथ आप ग्रो कर सकते हैं एक मिनट लूंगा नॉलेज शेयर इज इक्वल टू नॉलेज स्क्वायर जितनी नॉलेज शेयर करोगे उतनी नॉलेज डबल होगी ये अंग्रेजी कहावत है वीडियो को आपने शेयर जरूर किया होगा नहीं किया तो मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं आपको मास कस्टमाइजेशन पे बात करते हैं ये बेसिकली ऐसा मॉडल है कि यहां से एक यूनिकनेस लाते हो आप कस्टमर का रेलिवेंस बिल्ड करना फेसबुक ने प्रूफ करके दिखाया वही आर्ट दिखाता है फेसबुक जो इस तरह की आर्ट आप देखना चाहते हैं अमूमन उसी तरह के वीडियो आपको दिखाता है जिस तरह का आप देखना चाहते हैं कस्टमर की रेलिवेंस के नजदीक जाने का मॉडल है कि जब आप मास स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो भी क्या कस्टमाइजेशन ला सकते हैं तो भी क्या वो बना सकते हैं जो कस्टमर चाहता है अगर मास प्रोडक्शन में आप कर सकें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन रह सके मॉडिफाइड प्रोडक्ट के साथ में तो बेटर चॉइस होगी राइट right कॉस्ट होगा और कस्टमर का कन्वीनियंस आ जाएगा आप देखिए कपड़े का जो सूट बनवाते हैं आ, रेमेंट ने ऐसा ही किया कि उसने उसके अंदर कस्टमाइजेशन ला के दिया फूल वालों ने आजकल ऐसे फोन जिन पटेल के जो हमारे उसके चेयरमैन हमारे प्रोफेसर हैं ऐसा मॉडल बनाया है कि आपको दो लिली दो रोज दो ऑर्किड दो कार्नेशन दो रजनीगंधा अलग अलग फ्लावर्स आपने मिक्स किया और बुखे बना दिया आपकी चॉइस के हिसाब से जो आपकी मदर या आपकी वाइफ को पसंद था आपने वही गिफ्ट किया उनको वो भी फोन पे या ऑनलाइन बुक कर लिया ऐसे ही पासपोर्ट कवर डायरी पेन ऑफिस स्टेशनरी बैग वॉलेट ये सब भी हो जाते हैं कस्टमाइज बात सिंपल समझो क्या आपके बिजनेस में कस्टमर रेलिवेंस मांस कस्टमाइजेशन की पॉसिबिलिटी है ये आ, ऐसा इससे प्रीमियम मिल जाता है आपको या तो मार्केट शेयर बड़ा मिलेगा या 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 प्रॉफिट प्रॉफिट का प्रीमियम 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 बड़ा मिलेगा दो हैं, या प्रीमियम। प्रीमियम या दो चीजें मार्केट शेयर फायदे आपको हो सकते हैं दीक्षित ने अभी डीसी ले ले उनकी पसंद के सीट कवर डिजाइन ये वो टीम टाम कर देता है लेकिन बहुत मोटा पैसा कमाता है चार बातें याद रखिएगा पहला वॉट कस्टमर वॉन्ट उसको चाहिए क्या दूसरा आप ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बिल्ड कैसे करोगे आप उसे कर कैसे सकते हो तीसरा उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी कॉस्ट को कैसे कम रखें चौथा ऐसा करने पे ऐसा ना हो कि आपकी बाकी आइटमें बिकनी बंद हो जाए इंपैक्ट ऑन अदर प्रोडक्ट्स ये चार चीजें अगर आपने कंसीडर कर ली तो आपके लिए मास कस्टमाइजेशन पे आप बढ़ना बढ़ सकते हैं चार प्रकार के कस्टमाइजेशन होते हैं कोलैबोरेटिव अडेप्टिव कॉस्मेटिक और ट्रांसपेरेंट पहले कोलैबोरेटिव समझते हैं ऐसी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर और आप मिलकर पूरी करते हो जैसे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह बनवाते हो तो मिलकर उनके साथ मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए टेलर मेड क्लोथ होते हैं भाई मुझे ऐसे कपड़े का मेरे को ऐसा साइज चाहिए ऐसा कलर चाहिए ऐसा बटन चाहिए फर्नीचर में भी होता है कंस्ट्रक्शन में भी होता है कोलेबरेटिव कस्टमाइजेशन आपके बिज़नेस में क्या ये चलेगा या क्या आपके बिजनेस में अडेप्टिव कस्टमाइजेशन चलता है अडेप्टिव कस्टमाइजेशन क्या कि कस्टमर उसी आइटम को कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर ले इसको बोलते हैं एक रिक्वायरमेंट जो अलग अलग ओकेशन के लिए वो यूज़ कर सके आइडियल है उस स्लाइन बेस के लिए जिसकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन उसी प्रोडक्ट जैसे मल्टीपर्पज यूटिलिटी बोलते हैं इसको

ऐसे ही रिर्सेबल क्लोध भी होते हैं रिवर्सेबल क्लोथ क्या है आपने वही जैकेट को उल्टा पहना दूसरे कलर से ये जैकेट मल्टी यूटिलिटी बैग भी होते हैं वो बैग के कई परपज हो सकते हैं मल्टी यूटिलिटी स्विच नाइफ भी होती है सोफा कम बेड भी होते हैं फोल्डिंग फर्नीचर भी होते हैं सोचो कि कस्टमर उसी आइटम को कई तरह से यूज कर सकता है क्या यह चलेगा नहीं तीसरा सुनो फिर कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया लेकिन उसकी अपीयरेंस चेंज कर ली उसकी पैकेजिंग चेंज कर ली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आजकल ये टी शर्ट बग्स पेन्स कुशन उनपे इमेज बनाना उसपे फोटो बनाना वॉलपेपर इसमें क्या है कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशन हो जाता है ऊपर ऊपर से चेंज करते हैं मेन प्रोडक्ट नहीं चेंज करते फिर इसके अलावा होता है ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन <coughs> ये वो होती है जिसमें कस्टमर बार बार आपको कुछ नहीं बोलता लेकिन आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता है तो आप पहले ही कर देते हो उसको चेंज आप उससे बात किए बिना उसकी प्रोडक्ट प्रेडिकट कर देते हो उसकी रिक्वायरमेंट को और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अचीव कर लेते हो क्रिएटिंग कस्टमाइजेशन विद स्केल में बहुत सारे तरीके हैं जैसे आपने रेस्टोरेंट बफे बनाया आपने शाही पनीर बनाया तो आपने बहुत बड़ी मात्रा में बना लिया आपने मास प्रोडक्शन कर लिया और आपने बफे में बहुत सारे आइटम बना दिया कस्टमर को जो चाहिए अपने आप ले लेगा वो वो अपने आप कस्टमाइज कर लेगा मुझे बफे में शाही पनीर चाहिए दाल मखनी चाहिए मुझे मिक्स वेजिटेबल चाहिए मैं थोड़ा सैलड चाहिए मैं थोड़ी मिठाई चाहिए गुलाब जामुन जरूर लूंगा ऐसे ही एवरीथिंग अबाउट ऑन्टरप्रीनशिप में बफे बना दिया हमने बहुत सारा कंटेंट डाल दिया बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे ऑथेंटिक प्रोग्राम हिंदी भाषा के अंदर आम भारतीय समझ सके बफे हो गया वो जिस इंडस्ट्री का है वो अटेंड कर ले बाकी सब छोड़ दे बहुत सारा वीडियो मिल गए बहुत सारे बढ़ते चले जा रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं जो चाहिए वो अटेंड कर ले बाकी छोड़ दे मास कस्टमाइजेशन हो गया सब्वे में जाते हो वो अपने साथ में अलग अलग प्रकार के सैल्ड आपको क्या चाहिए टमाटर चाहिए नहीं चाहिए अनियन चाहिए नहीं चाहिए नहीं भाई मैं तो जैन खाता हूँ अनियन नहीं चाहिए आपने बता दिया उसको मास्क कस्टमाइजेशन हो गया पेपर यूज सॉफ्टवेयर के लिए मास्क कस्टमाइजेशन हो गया शेयर्ड ऑफिसेज हो गए को वर्किंग स्पेस मास्क कस्टमाइजेशन हो गया रेंज ऑफ कैब्स हो गई प्लेटफॉर्म बना दिया आपको छोटी कैब चाहिए बड़ी कैब चाहिए शेयर कैब चाहिए ऐसे ही वाइट लेबलिंग हो गया बी टू बी सेल्स जैसे हम लोग भी करते हैं मैंने आपको बताया कॉरपोरेट के लिए भी करते हैं वाइट लेबलिंग हम किसी के पास खाली सेल्स के एम्प्लॉय हैं तो उसको सेल्स का कोर्स बना के दे देते हैं किसी को सर्विस चाहिए तो उसको सर्विस का कोर्स बना के दे देते हैं किसी को मार्केटिंग से मैंने इसको मार्केटिंग का कोर्स बना उनके एम्प्लॉइज के लिए पचास एम्प्लॉय सौ एम्प्लॉय दो सौ आपके लिए मास् कस्टमाइजेशन हमने कर दिया हम भी मास् कस्टमाइजेशन में आ गए ये वो तरीके हैं जिनसे बड़ी ग्रोथ हो सकती है आपको ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी केस स्टडी लीगल फाइनेंस एग्जीक्यूशन ऑपरेशन फंड रेजिंग सेल्स मार्केटिंग एचआर ये सारी चीजें हम ऑन्ट्रप्रन्योर्स को सिखाते हैं ऑन्ट्रप्रन्य ऑन्ट्रप्रनियोर्स को और अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉई है तो उनके लिए भी हम लोग दो सौ पांच सौ रुपया महीना के हिसाब से या सौ रुपए महीना के हिसाब से मास्क कस्टमाइज करके कोर्स दे देते हैं उसके लिए आप गगन भुटानी से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि हमारे सिखाता कौन है कंट आरो के महेश गुप्ता जी चेयरमैन अग्रवाल पैकर मूवर के रमेश अग्रवाल जी थायरो केयर के डॉक्टर वेलूमनी दावत बासमती राइस के अश्विनी अरोड़ा सोमानी सरम के अभिषेक सोमानी गोडाडी के निखिल अरोड़ा फोर्ड मोटर्स के एल्फ्रेड फोर्ड हेनरी फोर्ड के पोते जो हैं दैनिक भास्कर के गिरीश अग्रवाल लाल पाथ लैब के डॉक्टर अरविंद लाल शावमी के मिस्टर मनु जैन एच डी एफ सी के मिस्टर केकी मिस्त्री सेलिब्रिटी शेफ है संजीव कपूर प्रहलाद कक्कड़ एड गुरु विवेक ओब्रॉय फिल्म मेकर एक्टर बिजनेसमैन आचार्य बालकृष्ण

कर रहे हैं बोर्डलाइन नंबर पर फोन करके बात करिए आज के बाद आप भरोगे ऊंची उड़ान क्योंकि आपको मिलेगी नई पहचान थोड़ी देर की और है बात no advantage कई प्रकार की एडवांटेजेस होती एडवांटेज इंफॉर्मेशन या रिलेटिव एडवांटेज आसान करके समझाता हूं पहले इन एडवांटेज का फाउंडेशन समझते हैं फिर समझेंगे फायदा क्या होगा

प्रोड्यूस करने की कॉस्ट घट जाती है क्योंकि आपको वॉल्यूम में बनाना है इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंडिकेट करता है कि कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ चुकी है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है यह अचीव होता है आपकी टेक्नोलॉजी के कारण या स्पेशलाइज लेबर के कारण या बल्क बाइंग के कारण आप बड़ा सामान सस्ते में खरीद लेते हो बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण या कोई बड़ा नेटवर्क हो जहां से आप माल बेच सकते हो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एग्जाम्पल समझिए अगर आपने वीडियो गेम बनाया उस वीडियो गेम बनाने में आपकी काफी टाइम लगा काफी आपकी कॉस्ट लगी लेकिन अब आपने उस गेम की कई कॉपीज बना ली हैं जितनी कॉपी उस वीडियो गेम की बेचते जाओगे तो कॉस्ट पर गेम अपने आप घट जाएगी आपकी ऐसे उसका जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऐसे ही होता है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आपने वही इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से आपने अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिए शेयरिंग ऑफ इनपुट्स और ज्वाइंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट आपने सिमिलर प्रोडक्ट के लिए यूज किए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी बात को जरा समझना कि एक कंपनी जूता बनाने वाली वो आदमी का जूता भी बनाता है औरत का जूता भी बनाता है अगर उसी टाइप का जूता वो बच्चे का भी बना दे तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस्तेमाल करेगा और बच्चे का भी जूता बन जाएगा सेम प्रोडक्शन इक्विपमेंट यूज करेगा सेम सप्लाई यूज करेगा सेम स्टोरेज यूज करेगा सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करेगा और साथ में एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा तो उससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप घट जाती है इसे एग्जाम्पल समझिए मैकडोनल्ड से मैकडोनल्ड बर्गर भी बनाता है फ्रेंच फ्राइज भी बनाता है अगर मैकडोनल्ड अब देखते हैं समझते हैं कि वो बना कैसे रहा है उसको उसे सेम फूड स्टोरेज सेम प्रिपरेशन फैसिलिटी और सेम प्रोडक्शन uh, के सारी अरेंजमेंट्स को इस्तेमाल करता है जिसमें वो बर्गर भी बना लेता है फ्रेंच फ्राइज भी बना लेता है लेकिन अगर ऐसा करने के बजाय वो बर्गर के अलग रेस्टोरेंट बना लेता फ्रेंच फ्राइज के अलग रेस्टोरेंट बना लेता तो पूरा रेस्टोरेंट बनाने के टू सेपरेट फर्म्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है उसको इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप आपने उसी प्रोडक्शन uh, कैपेसिटी से ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट बना दिए और उसकी कॉस्ट सब जगह शेयर हो जाती है नेचुरली आपको कॉस्ट एडवांटेज जो है लाने के लिए और भी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल लाने के लिए और भी तरीके इकोनॉमीज ऑफ लर्निंग भी होता है कि आपने इंडिविजुअल स्किल्स बहुत बढ़ा दिए लोगों को इतना सिखा दिया इतना लर्न करा दिया कि आपकी नेचुरली कॉस्ट कम पड़ती है जैसे चाइना करता है उनका स्किल बिल्डिंग सबसे अच्छा है हमने नितिन गडकरी जी से पूछा था इसके बारे में इंडिया में कब ठीक होगा ऐसे इकोनॉमी ऑफ प्रोसेस भी होता है कि आपने प्रोसेस इतना इनोवेशन कर दिया प्रोसेस इतना बढ़िया कर दिया या तो एडवांस मशीन से लिया या रैपिड प्रोसेस लिया तो भी आपकी कॉस्ट घट जाती है या इकोनॉमी ऑफ डिजाइन डिजाइन को आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया अब उसी डिजाइन को छापे जा, छापे जा रहे हो छापे जा रहे हो छापे जा रहे हो तो भी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है या इनपुट कॉस्ट कम हो जाए किसी प्रकार से आपको लोकेशन का एडवांटेज मिल जाए जहां रॉ मटेरियल मेटीरियल मिल जाता हो एक किलोमीटर में फट से रॉ मटेरियल पहुंच जाता हो लो कॉस्ट इनपुट आपको जैसे मिल जाता है या यूनियन के यूनियन नहीं है आपकी लेबर के अंदर तो लेबर सस्ती मिल जाती है या आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है या फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से भी आपकी कॉस्ट घटती है उसी मशीन से आप ज्यादा माल बना लें तो आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गई या एचआर से भी आपकी कॉस्ट घटती है कि बड़े मोटिवेटेड एंप्लॉई आपके पास में ऑर्गेनाइज कल्चर है उससे भी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है सो अ कंट्री उदाहरण लेते हैं वो अगर आ, सेब का एक थैला पांच डॉलर में प्रोड्यूस कर रहा है और एक और कंट्री सेव का एक थैला आठ डॉलर में प्रोड्यूस कर रहा है तो जो कंट्री पांच में प्रोड्यूस कर रहा है एचुअली इसको बेनिफिट मिल जाएगा इससे निकल के आते हैं आपकी सारी एडवांटेजेस ये जितनी इकोनॉमी डिस्कस करी उससे एडवांटेज आती है जैसे एब्सोलूट एडवांटेज एब्सोलूट एडवांटेज का मतलब क्या अपने प्राइस को दूसरे कॉम्पिटिशन के मुकाबले कम कर दिया जैसे थायरो केयर हमारे प्रोफेसर हैं उसके अग्रवाल पैकेज मूवर्स इन लोगों ने अपनी कॉस्ट को कम रखा इसीलिए इनका प्राइस भी कम है कॉस्ट मतलब लागत प्राइस मतलब कितने का बेचा इसी से आपको फर्क पड़ता है इंडिया के अंदर कॉल सेंटर की कॉस्ट कम आती है यूएस के मुकाबले क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है इससे आपकी आती है प्राइस एडवांटेज अब फायदा क्या है देखिए कॉस्ट कम होने से प्राइस का फायदा क्या है आपकी कॉस्ट बहुत कम है तो या तो आप कॉम्पिटिटर के बराबर प्राइस पे बेच लो प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा या कॉम्पिटिटर के कम प्राइस पे बेच लो तो मार्केट शेयर ज्यादा मिल जाएगा दोनों में आपको बेनिफिट मिलता है इसी से आती है इकोनॉमिक एडवांटेज इकोनॉमिक एडवांटेज कैसे आती है या तो क्रिटिकल मास बड़ा वॉल्यूम या मार्केट का पावर बहुत बड़ा मार्केट शेयर या नेटवर्क इफेक्ट आपका चैनल बहुत बढ़िया नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया एक और एडवांटेज आती है इंफॉर्मेशन एडवांटेज आपके पास वो यूनिक नॉलेज है वो टैक्टिकल नॉलेज है जो किसी और के पास नहीं है उससे आपको ज्यादा ग्रोथ मिल जाती है आपका जो कस्टमर है वो किस दिन क्या खरीदने वाला है अगर उसकी इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए तो बाकी कंपटीशन के मुकाबले आपको बेनिफिट मिल जाता है इसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव सुपरियोरिटी जो इंफॉर्मेशन के कारण मिलती हो रिलेटिव एडवांटेज भी है रिलेटिव एडवांटेज क्या है डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जेंट कस्टमर के दिमाग में एक ब्रांड छप चुका है

पुलिस और ग्यारह मुल्कों के व्यापारी ढूंढ रहे थे ये ऑफर निकल गई तो निकल गई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज हमारी पावरफुल बीच स्ट्रैटेजी को कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं आपका क्या रिजल्ट रहा आपको क्या फायदा हुआ कि नहीं हुआ क्या मुझे ऐसे फ्री इवेंट और करने चाहिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद क्यों नहीं करूं उन सब का भी जिसने सेशन को बनाने में हमारी मदद करी हमारे सारे वो पार्टनर्स वो स्पॉन्सर्स एक दूसरा डायमंड मार्ग ई के ठाकुर अनूप सिंह जी तंश ज्वेलर मलकान व्यू के विशाल मलकान जी जी यूनिवर्सिटी जेनेसिस ट्रिनिटी बिजनेस स्कूल आई के परिमल जी सेज यूनिवर्सिटी फोर्टी पी बने इनोवेशन विजन ऑटोमोबिका इंस्टीट्यूट कलिंगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स युंडाई का भी धन्यवाद करूंगा जो कि कोरियन टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया है फीलिंग्स मल्टीमीडिया मीडिया यूट्यूब इंडिया का स्पेशल धन्यवाद आपने हमारी मदद करी यूट्यूब

लीडरशिप हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दिन रात मेहनत करी इसको सफल बनाने के लिए मेरे कैमरा के पीछे कैमरामैन का और बाकी सारी टीम का जिन्होंने कॉन्टेंट बना करके ऐसा प्रोडक्ट बनाने में, में मेरी मदद करी जिससे मैं इस देश को आगे लेके जा सकूँ अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटा सा वीडियो बनाइए अपने फीडबैक के साथ